ऑडियंस आई है ना उन हाँ उनको मैं तुम्हें एक और बंदा भी आ गया। मैं जुल्फकार साहब एक काम करता हूँ, जो हमारी अस्सलाम वालेकुम सर। इरफान हसन खैर है, यू आर लेट। सर वो नमाज में टाइम लग गया था आज उधर मस्जिद में, इसलिए देर हो अच्छा गई। अच्छा अच्छा चलो, तो आज मैंने कोई लेक्चर प्रिपेयर किया था, मैंने कहा बंदे कम है तो आज मैं उतनी देर तक एक और चीज करते हैं। हमने जो काम किया ना उसी की विजुअलाइजेशन आप लोगों ने पिवट टेबल में तो कर ली है, आपको एक छोटी सी चीज और करके दिखाते हैं जितनी देर तक आज ऑडियंस अगर नहीं। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करूँ जी आपसे पहले ताकि आप लोग देख सके। हमने एक ये बना मेरे लिए चैलेंज बन जाता है कि आप स्क्रीन नजर आ रही है ना, जी आ रही है सर। इसमें हमने पहली में शायद काम किया था या दूसरी वाली ले लो था, सेकंड में हमने काम किया था बैडली स्ट्रक्चर्ड क्लीनिंग डिटेल्स समरी डिटेल्ड डाटा में था मेरा था आगे असाइनमेंट फाइव। हाँ ये वाली मैं असल में आज ये वाली फाइल लेके आया था, इस फाइल के ऊपर मैंने आपको आज डाटा क्लींजिंग शुरू करानी थी। मेंबर्स अभी आज नहीं है तो मैं आज आप लोगों को एडिशनल चीज कराता हूँ, उससे हम चलते। अच्छा सर ये हमारे पास एक फाइल है जो हमने पीछे प्रैक्टिस की है सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना, जिसमें आप देखे 2013-14 ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद था। मैं आपको ना आज छोटा सा डेटा स्टूडियो में डैशबोर्ड बनाना सिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ अपने जाके डैशबोर्ड अच्छा ये ना मैं शुरू से बताता हूँ, आप लोग गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें डेटा स्टूडियो या गूगल डेटा स्टूडियो लिखें ना तो वो आपको यहाँ पे ले जाएगा, जिसको कहते हैं गूगल डेटा स्टूडियो ओवरव्यू या साइन इन। मैं अगर साइन इन पे जाता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे ले आता है, यहाँ से मैंने ये मेरे दूसरे डैशबोर्ड में मैं इससे आता हूँ। आप अपने जीमेल से लॉग इन हो गए, ठीक है जी, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि आप ब्लैक रिपोर्ट बनाए। आप आवाज आ रही ना मेरी, जी सर जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक डेटा स्टूडियो में गया, ये डेटा स्टूडियो का एक इन्वायरमेंट है जो आपके पास खुल गया है। इस डेटा स्टूडियो में जाके एक ब्लैंक रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्लैंक रिपोर्ट। तो मैंने इस पे क्लिक किया ना, मेरे पास ये एक ऑप्शन खुल गई है जिस पे लिखा हो अनटाइटल्ड रिपोर्ट। इस पे हम रख लेते हैं नाम इसका लेक्चर 4, नाम रखते हैं डेटा साइंस
लेक्चर इन डेटा साइंस में है, सेशन 4 प्रैक्टिस डैशबोर्ड। अच्छा जी, अब इसमें जब आप आते हैं ना, तो ये एक डेटा स्टूडियो का एक इंटरफेस है। इंटरफेस में जिस तरह आप लोग सारी चीजें यूज करते हैं, इसमें भी एक सिंपल इंटरफेस है। हमारे साथ रजा साहब आए हैं, अभी तक बाकी कोई नहीं है, चले इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी चीज को आज पुराना कुछ था बंदे काम है, इसलिए मैं डिफरेंट करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, एक लिखा हुआ ऐड पेज और एक लिखा हुआ ऐड डेटा। अब आप समझिएगा, ये जो फ्रंट एंड है ना, ये आपकी एक समझ लें वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जो चीज भी लोगों को दिखाना चाहते हैं, डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे नजर आए, ठीक है जी। लेकिन उसको दिखाने के लिए जिस तरह पीछे डेटा सोर्स एक्सेल फाइल अटैच करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड डेटा पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो मुझे ऑप्शंस देता है बहुत सारी कि आप डेटा कहाँ से लेना चाहते हैं। ये सारे 200 प्लस सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप डेटे को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब से कनेक्ट करते हैं आप, मतलब ये सारी चीजें आप जब एक्सप्लोर करेंगे ना, तो फिर बारी बारी आप देख लेंगे कि कौन कौन से। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिंपल एक चीज दिखाऊंगा कि हम गूगल शीट के थ्रू डेटा स्टूडियो के साथ डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। मैं जी गूगल शीट्स पे क्लिक करता हूं, तो वो मुझे कहता है जी कि ये आपके सारे आइटम्स हैं, ये आपकी चीजें मौजूद है, आप इनमें से कोई चीज उठाना चाहते हैं या कोई नई चीज लगाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं एक स्टेप ये खुला मेरे पास, मैं एक दूसरी शीट खोलता हूँ, दूसरा टैब खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ SHWETS गूगल शीट्स। आपके पास ये जिस तरह एक्सेल होती है ना, इसी तरह आपके पास गूगल शीट्स होती है। ये आपके सामने गूगल शीट्स खुल गई है, ये आपके पास गूगल शीट्स खुल गई है। आप जिस तरह अपनी हार्ड डिस्क में डाटा सेव करते हैं, इसी तरह आपके पास ये गूगल गूगल ड्राइव है, जिसके अंदर वैसे ही डाटा सेव हो जाता है, ठीक है जी। चले आप जब ज्वाइन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पे क्लिक करके ना, एक नई एक्सेल शीट जिस तरह बनाते हैं ना, इसी तरह मैं एक ब्लैंक गूगल शीट बनाने लगा। आप अपना माइक अगर ऑफ कर लेंगे, रजत साहब आप अगर, हाँ माइक, थैंक यू। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक डेटा साइंस के ऊपर एक चीज ये गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर खोली है, इसी तरह मैंने यहाँ पे गूगल शीट्स के अंदर एक शीट खोली है। तो अलग अलग चीजें हैं, गूगल डेटा स्टूडियो क्या है, ये कैसे काम करता है, आप सारी इसको यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, बेसिक्स फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। गूगल शीट्स सिंपली, गूगल शीट्स जो है वो एक्सेल की तरह गूगल की शीट्स हैं जो फ्री है, आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। मैं इसका नाम यही कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, इसका नाम गूगल शीट का भी वही रख लेता हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये वाली जो शीट है ना, ये सारी, ये हमने, आप लोगों को याद होगा, हमने शुरू पे इसके ऊपर बहुत सारे चार्ट्स बनाए थे, रेवेन्यू सेल्स निकाली थी, सब कुछ किया। मैं सिंपल इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरी को, कंट्रोल सी, या गूगल शीट में आके मैंने सिंपल किया कंट्रोल वी, या मतलब पेस्ट कर दिया।
ये सारी शीट गूगल शीट के अंदर पेस्ट होगी और इसमें सेव करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव पे सेव हो जाता है। आपकी जो जीमेल अकाउंट होता है ना, उसके अगेंस्ट आपको एक जी ड्राइव मिलती है जिसमें आपकी चीजें सेव हो जाती है। तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें सारी चीजें सेव हो गई। इस पे मैं बीच में दादा साहब को बोल, दादा साहब एक चीज बतानी थी आपको कि मेरे एक पुराने बॉस थे, वो हमारे साथ जब हम एनआई भी आए थे ना, तो उस वक्त उन्होंने हमारे साथ एनआई भी ज्वाइन किया था, फिर वो जेएस बैंक चले गए, तो उन्होंने अब एमसीबी को दोबारा ज्वाइन किया। आज उनकी मुझे कॉल आई थी तो मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। क्या नाम है हेड उनका ऑफ सर? उनका नाम है राशिद रफीक, उन्होंने हेड अच्छा ऑफ राशि, अच्छा अच्छा राशि उन्होंने उन्होंने हेड ऑफ साहब सिक्योरिटी। बड़े अच्छे तरीके से हेलो आया मेरी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ठीक दादा साहब? वो तो एग्जे क्या सर? ज्वाइन किया था? उन्होंने वो पहले तो हमेशा से वो नॉन सिक्योर्ड में रहे, अनसिक्योर्ड में रहे, लेकिन इस दफा उनकी असाइनमेंट जो जी एमसीबी में मिली है, हेड ऑफ सिक्योर आए, हेड ऑफ सिक्योर। ओके, तो वो चलो मेरे ग्रेट पुराने, सर, ग्रेट। हाँ तो वो मेरे पुराने बॉस भी हैं, तो आज उनकी कॉल आई थी, तो फिर मैंने उनसे बातचीत हुई, तो कह रहे थे मैंने कुछ 5 7 इनिशिएटिव सोचे, तो मैंने उनको भी बताया था कि मैं अब ये सारी चीजें देख रहा हूँ, तो आपको मैं चाहिए कि आप वहां पर ये चीजें इम्प्लीमेंट कराएं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था आज या कल में मुझसे मिलो आके, मुझे दिखाओ कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा था मैं आपको बना भी दूंगा, आपकी टीम को ट्रेन भी कर दूंगा, आप इंप्लीमेंट भी करें पाकिस्तान ताकि आपको इसका बेनिफिट ट्रांसफर हो। तो मैंने फिर उनको फ्राइडे बोला कि मैं फ्राइडे आपको मिलूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि वो अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई है, इज वेरी ग्रेट सर, गुड फ्रेंड। वो मेरे बहुत अच्छे पुराने बॉस भी हैं, मेरे समझने फैमिली मेंबर की तरह, उनसे मेरी दोस्ती भी बहुत ज्यादा है, तो फिर वो मुझसे अक्सर बातचीत उनकी चलती रहती है। बस ये मैंने कहा मैं आपको बताऊं, तो हो सकता है एमसीबी में भी मेरे डैशबोर्डों की शक्ल नजर आना शुरू हो थोड़े ऐसे बाद। जबरदस्त। ये क्या करता है ये, मैं इस पर क्लिक तो करता हूँ, ये भाई साहब मानते नहीं। चलो हो गया। अच्छा जी, ये जी मैंने कुछ नहीं किया अभी, मैंने सिंपल गूगल पे जाके डाटा स्टूडियो खोला और एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाई। मैंने गूगल शीट्स में जाके एक ब्लैंक शीट बनाई और उसमें वही एक्सेल शीट कॉपी पेस्ट कर दी। अब आप लोगों को एक बिजनेस इंटेलिजेंस की खूबसूरती दिखाने लगा हूं कि जिंदगी में कितनी आसानियां क्रिएट होती हैं, लेकिन कैसे। मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जी ऐड डेटा। ऐड डेटा क्या क्या, अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो आपने देखा है, एक्सेल में हम काम करते हैं तो एक्सेल में काम करते हुए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पिवट लगाते हैं ना, तो पिवट एक नई शीट में खोलता है। ऐसे ही है जी, आप लोगों ने पिवट टेबल लगाए थे, वो जी पूछता सर उसी ऐसे शीट ही में है। जी उसी शीट में लगाऊं या नई शीट में लगाऊं, ऐसे ही है ना। सर, न्यू शीट में जी। तो इसी तरह ये आप समझ लें कि आपने यहाँ पे जब डेटा ऐड करना है ना, तो ये आपने यहाँ पे पिवट टेबल लगाना है, आप पीछे से डेटा दूसरी शीट से लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड डेटा करूंगा, तो ये सारा अब इसको ऑनलाइन एनवायरनमेंट कहते हैं, ये क्लाउड पे आता है सारा कुछ, आपकी हार्ड डिस्क से सब कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा कुछ आपके जो ईमेल एड्रेस है जीमेल का, उसके अगेंस्ट आपको फ्री में जो 15 GB स्टोरेज मिलती है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी बनाऊंगा भी और आप लोगों को इसको शेयर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ही चीज कितने लोगों से 1 सेकंड में शेयर हो सकती है। मैं क्या कहता हूँ जी, इसे कहता हूँ कि मैंने गूगल शीट से डाटा लेना, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वो मुझसे पूछता है कि कहाँ से कहाँ है वो तुम्हारी शीट। मैं उसे कहता हूँ जी यूआरएल पे चले जाओ, यहाँ पे उसने मुझे स्पेस दिया कि उसका एड्रेस दो। मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने ये एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी देखिएगा,
ये देखे जी, उसने मुझे कहा ये जो गूगल शीट है ये इसके अंदर शीट वन एक शीट मौजूद है, उसका नाम ये रखा हुआ है आप। अब ये जो शीट वन है ना इसका नाम ये चेंज कर देते हैं डेटा, इधर हम इसको अब आपको दिखाने ये लगा हूं कि दोबारा से मैं कनेक्ट करता हूं तो आप देखे मैंने गूगल शीट में नाम चेंज किया है, तो यहां से भी वो नाम मुझे चेंज होकर नजर आना चाहिए। मैंने फिर से ये कॉपी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और अभी वो नेट के हिसाब से मैं सर्च कर रहा हूँ। एक मिनट में सर्च करके आपको दिखाएगा कि वो शीट कहाँ पे मौजूद है। इतनी स्पीड स्लो नहीं होगी, एक तो फौरन आ जाता है, नेट का भी गड़बड़ है। जी सर ये नेट का इशू होगा, बिकॉज मैंने ये पेस्ट किए तो अभी वो दो ऑप्शंस दे रहा है। हाँ कोई आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, वेरी गुड। जी जी बस अभी वो जरा भाई साहब ना सो गए, इसका दूसरा भी नेदर से नहीं मिलता तो मैं ये कर सकता हूँ, ऑल आइटम में जाओ, जहाँ मैं जाके सर्च करूँ मेरी वो फाइल मेरी ड्राइव में आ गई होगी। अच्छा वो उधर से उसको मिल नहीं रही, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे जाता हूँ उसको भी रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये वाया इंटरनेट होता है, इसमें आपको कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। ये आगे जी ये देखिए अब शीट नजर आ रही, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसने उसका नाम जो मैंने डाटा रखा था दे दिया। मैं उसे कहता हूँ हिडन फाइल फिल्टर खत्म कर दो, फर्स्ट रो एज हेडर का मतलब है जो ये ऊपर वाली रो है ना मेरे हेडर्स हैं, इसको हेडर्स ही रहने दो। मैं इसको ऐड करता हूँ। अब हम एक्चुअली हमने क्या किया है, वो पूछ रहा है जी कि ये जो डाटा है आप उस रिपोर्ट में ऐड करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ रिपोर्ट में ऐड कर, हमने ये पहला स्टेप किया। अब इस स्टेप की पूरी साइंस समझ लें, आपकी इस वक्त दुनिया में जितनी भी ऑनलाइन काम चल रहा है, वेबसाइट्स चल रही है ना, ये उसका निचोड़ है। आपको जो फ्रंट एंड पे नजर आता है ना उसके बैक एंड पे कोई डाटा होता है, जिस तरह हमने ये एक डाटा इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप सिंपल देखिए, उसने यहाँ पे एक सिंपल पिवट टेबल लगा दिया, यहाँ पे ये डाटा स्टूडियो का एनवायरमेंट है, इसमें आप इसका पिवट टेबल था उस पर ऑप्शन होती है, इसमें भी कुछ ऑप्शन है जो प्रैक्टिस के साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं जो अभी बाकी ऑडियंस आई है ना, अभी तो थोड़े ही है, मेरा लेक्चर आज आपको क्लीनिंग का था लेकिन अब लोग थोड़े कम हैं तो इस वजह से मैं आप लोगों को एक डाटा स्टूडियो के डैशबोर्ड बनाना शेयर करना सिंपल डाटा सेट के ऊपर समझाने लगा। अब हम एक छोटा सा डैशबोर्ड डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ये मेरे पास खाली पेज है, हम डाटा देखते हैं। वालेकुम सर, मदरसे साहब थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड बता दें इसका, दरमियान में मैंने ज्वाइन किया मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। अच्छा मैंने क्या किया है, सिंपल बता देता हूँ, गूगल पे जाके गूगल डाटा स्टूडियो लिखा है, यहाँ पे ना डाटा स्टूडियो खुला, मैंने यहाँ पे साइन इन का बटन दबाया, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस से लॉग इन हुआ, मैंने इस पे क्लिक किया कि ब्लैक रिपोर्ट बना दो, बस ब्लैक रिपोर्ट बनाई है तो आपके सामने ये जो रिपोर्ट नजर आ रही है ना ये बन जाएगी। ठीक है तो मैं जी सर मैं सुन रहा हूँ। मैंने फिर उसका नाम रखा डाटा साइंस सेशन फोर प्रैक्टिस डैशबोर्ड, ये एक फ्रंट एंड पे एक डैशबोर्ड बनाने लगे हैं, तो ये एक ठीक है। अब इसके साथ आपने कोई डाटा कनेक्ट करना, डाटा कनेक्ट करने से क्या मुराद है, एक्सेल में आप क्या करते हैं, एक डाटा हमने ये बनाया था, ये वाला डाटा मैं यूज करने लगा, इस डाटे को आप जब पिवट टेबल लगाते थे तो जिस तरह इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल करता हूँ तो वो पूछता था नई शीट में बना दूं, तो यहाँ पे आप उसका सारा डैशबोर्ड बना रहे थे ऐसे ही सर। तो
मैंने क्या किया, ये जो डैशबोर्ड वाला ये वाली जो चीज है ना वो ये डेटा स्टूडियो के अंदर बनाई है खाली, लेकिन इसके पीछे ये जो डेटा है ना मैं इस डेटा को सारे को कॉपी किया है, कॉपी करके इसी तरह मैं गया हूँ गूगल के ऊपर, गूगल में जाके मैंने गूगल शीट्स खोली, गूगल शीट्स खोली, वहां पे गूगल शीट्स में गया हूँ, मैंने सिंपल गो टू शीट्स में जाके मैं अपने ईमेल आईडी से लॉग इन हुआ, मैंने सीखा एक ब्लैंक रिपोर्ट बना, मैंने ये ब्लैंक रिपोर्ट बनाई है, तो जब ब्लैंक रिपोर्ट बनाई वो ऐसी थी, मैं इसको डिलीट कर, ये खाली रिपोर्ट बन गई, ठीक है, ठीक सर। इसका नाम मैंने रखा है और नीचे इसका नाम मैंने डाटा रखा है। अब मैंने क्या किया है, ये जो हमारी एक्सेल शीट थी ना जिसके ऊपर हमने बहुत सारे चार्ट्स बनाए थे सब कुछ किया था, मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे आके मैंने सिंपल कंट्रोल वी किया, मैं आपके सामने पेस्ट कर दूँ, पेस्ट कंट्रोल वी, वो डाटा सिर्फ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी तक मैंने ये स्टेप किए, ठीक है, ये स्टेप करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इस डेटे को कनेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ चीजें कर सकते, मैंने यहाँ पे ऐड डेटा पे क्लिक किया, यहाँ पे उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि मैं कहाँ से कनेक्ट करूँ, मैंने उसे कहा गूगल शीट से कनेक्ट करूँ, गूगल शीट में उसने जाके देखा तो ये मेरी फाइल मौजूद है डेटा साइंस सेशन फॉर प्रैक्टिस, उसने उसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये देखिए ये नजर आ रही है, सारे हेडर्स आ रहे हैं, हाँ जी, ये जो ये उस फाइल का नाम है जो मैंने कनेक्ट की टॉप पे, ये वाली ये वो है, और इस फाइल के अंदर जितना कुछ है वो सारा कुछ नीचे नजर आ रहा है आपको, ये हेडिंग सारी नजर आ रही है, सारी हेड, ये सिंपल पिवट टेबल स्टाइल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक। अब हम एक डैशबोर्ड बनाने लगे हैं, अब आप अपना माइक म्यूट कर लें, साथ साथ सवाल अनम्यूट कर, ठीक है, आपकी टीम साथ है आपके कि नहीं, आप अकेले ही हैं? नहीं नहीं यार साथ ही है, हम साथ साथ हैं सर। चलो सर, आज नहीं तो मैंने तो कहा था आज ऑडियंस बात भी पता नहीं पड़ा, नहीं असल में तरावियां आप जरा लेट शुरू हो गई है ना तो मैं मुका की आनी होगी, ठीक चलो कोई बात। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैं क्या करता हूँ इस फाइल को हम देखते हैं ये थी क्या, इसका हम नाम क्या रखें, इस फाइल में क्या था, इसका हम नाम रख लेते हैं सिंपल नाम रख लेते हैं सेल्स डैशबोर्ड। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ सिंपल, इसका नाम रखता हूँ सेल्स डैश फोर। अब इसके ना कुछ खतियां कर लेते हैं, यहाँ पे ये सारी फॉर्मेटिंग मौजूद है, यहाँ मैं कहता हूँ इस फॉन्ट जरा बड़ा कर दे और बड़ा कर दे, सेंटर पे ले आओ, रंग कोई जरा इसका नीला पीला कर दे, तो नीला कर दो, इसका जो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका बैकग्राउंड है, इसकी बॉर्डर कलर है, मैं करता हूँ रेड करते, बॉर्डर लग गया जी, इसको आप जो मर्जी करेंगे, इसके राइट साइड पे आपको सब कुछ नजर आ रहा है, मैं इसको कहता हूँ थोड़ा गोल कर दे, साइडेज की गोल होगी जी, मैं इसको कहता हूँ तो इसकी ट्रांसपेरेंसी लाइन थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं, इसका जो बॉर्डर का जरा खूबसूरत कर दे, इसमें अब बैकग्राउंड भी थोड़ा सा भर लेते हैं, अगर मैं इसको पीला करूं, पीला नहीं इसका बैकग्राउंड नीला करता हूं, फॉन्ट का कलर कर लेता हूं पीला, पीला पीला पता नहीं है बैकग्राउंड पूरा हो तो कर लो। चलो अब कोई रीजनेबल है जी? जी सर ठीक है, नहीं नजर आ रहा है, वही कलर रहने दे, इधर शार्प कलर रहने दे, यही ठीक है जी, पढ़ने में इजी रीडिंग पता है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कि पेज के हिसाब से थोड़ा खूबसूरत नजर आए।
अब इसको ये ना नीचे से थोड़ा नीचे और ऊपर से थोड़ा ऊपर है, तो आपने कुछ खतियां कैसे करनी है इसकी अलाइनमेंट में। इसमें ऑप्शन आ रही है कि टॉप से बॉटम से, मैं उसको कहता हूँ तो ना टॉप से ज्यादा है तो थोड़ा कम कर, 5 पॉइंट कर। सेंटर में लग रहा है कुछ हद, थोड़ा सा और 4 पॉइंट कर। रीजनेबल है जी कुछ? जी बेहतर से, ठीक है। चल अब हम एक काम करते हैं, वेलकम उस्मान आप भी आ गए, पिछली चीजें पता नहीं आपने मिस कर दी है या नहीं। मैं काफी देर से हूँ सर, वो जब आपने रिपीट किया सारा मैं साथ ही था। सबीन कह रही है और जनाजे से आ रही है, 10-30 को ज्वाइन करूंगी। ओके चले, इसीलिए मैंने आज वो टॉपिक ही चेंज कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत टेक्निकल टॉपिक लेके आया था, मैंने कहा थोड़ा हल्ला गुला कर लेते, इसलिए फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। ये जी एक सेल्स डैशबोर्ड, मैंने एक सिर्फ फ्रंट एंड बनाया, फ्रंट एंड बना के अब मैं इसमें कुछ खूबसूरतियां डालूंगा। अब हमने जो डाटा देखा था, हम सबसे पहले देखते हैं जी जो हमने देखा था सेगमेंट। सेगमेंट में हमारे पास क्या था, मैं अगर यहाँ पे अब मैं जाऊंगा जी एक चार्ट ऐड करूंगा, मैं चार्ट सिंपल पहले बार चार्ट ऐड करता हूं। What is this tool? ये मैंने सिंपल एक चार्ट ऐड किया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली कुछ चीजें मुझे दे दी, नजर आ रही है जी। उसने ऑटोमेटिकली जो मेरे पास सेगमेंट था उस सेगमेंट की चीजें डाल दी। मैं इसको कहता हूं जी, अब इसकी जो उधर पिवट टेबल में आप वैल्यूज डालते थे, यहां पे भी हमने वो वैल्यूज डाल दी। जो चीज एक यहाँ पे जब आप बिजनेस इंटेलिजेंस में आते हैं ना, यहाँ पे दो चीजें होती हैं डेटा सेट में, एक वो जो मैंने आपको बताई थी जिसपे आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक वो जिसपे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो जिसपे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते उनको हम डायमेंशन कहते हैं, वो टेक्स्ट फील्ड होते हैं, लेकिन जिनके आप हम कुछ वर्किंग कर सकते हैं हम उनको मैट्रिसेस कहते हैं, या पावर बीए में जाए तो उनको मेयर्स कहते हैं, एग्रीगेशन इनको कर सकते हैं जिसपे आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने पहला काम क्या करना होता है, आपने हमने क्या किया कि हमने ये अब एक फ्लो बनाने लगे हैं डैशबोर्ड में, क्या क्या दिखाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरतियां करता हूँ, मैं इसमें ये देखिए डायमेंशन में आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरा यहाँ पे सेगमेंट डला हुआ। मैं अगर कुछ भी इसमें चेंज करना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से कंट्री डाल दूंगा, आप देखिएगा यहाँ पे कंट्री चेंज हो गया, अब कंट्री आ गया। मैं अगर यहाँ पे कुछ और चीज प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ, प्रोडक्ट थी ना पी में, प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हम शुरू कैसे करते हैं, हम शुरू करते हैं सेगमेंट से, एस ई टी सेगमेंट। मैं ज्यादा तेज नहीं कर रहा, मैं इसलिए स्लो स्लो कर रहा हूँ कि आप लोगों को आज थोड़ा सा ना डैशबोर्ड का स्टाइल भी समझ आ। ये मैंने एक बाल बनाई, अब इसके ऊपर मैंने ना नंबर्स दिखाने हैं कि क्या नंबर है। यहाँ पे देखें रिकॉर्ड काउंट जो ऊपर लिखा आ रहा है ना, एक्चुअली ये यहाँ पे है मैट्रिक जिसपे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, इस शीट में जाके हमारे पास आप यूनिट सोल्ड भी दिखा सकते हैं, कॉस्ट मतलब आप जितनी वैल्यूज है वो दिखा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं रिकॉर्ड काउंट की बजाय मैं यहाँ पे लेता हूँ जनाब सेल्स। अभी इसमें मुझे वो नंबर नजर नहीं आ रहा, तो इसमें ना डेटे के हिसाब से जो भी काम करना होता है इसमें दो नजर आ रहे हैं, एक स्टाइल है एक है डेटा। ये है डेटे के ऊपर आपने कुछ काम करना है तो ये वाला टैब आप खोलेंगे, स्टाइल है जिसके ऊपर आपने कुछ शशका डालना
यहाँ पे एक ऑप्शन जिस तरह वहां पे आती होती थी पिवट टेबल में, शो डाटा लेबल्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके सामने वो क्या दिखा रहा है, ये सेल्स दिखा रहा है, ग्रॉस सेल्स कंट्री की। अब इसमें इशू क्या आ रहा होगा हम देखते हैं, लॉन्ग स्केल करे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ तो जो क्या ग्रॉस सेल्स 100 में से ऐसे ही, अच्छा यहाँ पे अभी रिकॉर्ड काउंट ही आ रहा, उसने रिकॉर्ड काउंट दिखा रहा, मैंने यहाँ पे दिखानी थी ग्रॉस सेल्स। आ गई जी सेल्स, आप देख रहे जी सर ये वही पिवट टेबल है जो आपने वहां पे बनाया था। तो ये सिंपल एक मैंने पिवट टेबल बनाया है जिसमें हमने पहले सब पे दिखा दिया है कि सेगमेंट वाइज, इस पर मैं लिखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो ग्रॉस सेल्स आ रहा है ना इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ ग्रॉस सेल्स सेगमेंट वाइज। आप देखिए उसका मैंने यहाँ पे सिंपल अभी नाम चेंज कर दिया, ठीक है, इसके स्टाइल में जाके आप इसको दूसरी तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं, आपके पास मूड आपका नहीं है तो आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब ये टाइम सीरीज है तो डेट वाइज दिखा दिया, मतलब जो भी ऑप्शन है ये सारी आप जो जो चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो चार्ट दिखा देंगे। अब ये हमने क्रॉस सेल सेगमेंट वाइज दिखा के इसको ऊपर ले गए और इसको हमने इसके जो रेड लाइंस है, कलर आप इसका नहीं पसंद है तो आप कलर भी बदल सकते हैं, सारी ये जो मैं मेरा स्टाइल ही होता है जो थीम चल रहा है ना उसके क्लोज क्लोज कलर चलता रहे, अगर मैंने उसका बैकग्राउंड वो रखा था मैं इसका भी वही रखा, उसका भी फॉन्ट, अगर फॉन्ट फॉन्ट कलर कहाँ भैया, ये फॉन्ट ये लेजेंड का फॉन्ट है, बैकग्राउंड चार्ट हेडर ये वाला रखा, इसकी खूबसूरतियां हम साथ साथ करते रहे। ये आपके पास ही एक अभी मैं इसका सिर्फ वो कर दू सारी बॉर्डर बूटर लगा, इसका ये भी तरीका होता है, मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी इसको सिलेक्ट करूँ और इस पर जाके ना पेस्ट स्टाइल ओनली और इसका नहीं भाई मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे की सिर्फ मुझे इसका बॉर्डर लगा देंगे के, ये क्या है जी, ग्रिड कलर है, ग्रिड एक्सेस है, चार्ट बैकग्राउंड, चार्ट बॉर्डर रेड रखा था, चार्ट का बॉर्डर आ गया रेड, इसको भी गोल हो सकता है, गोल कर देते हैं, ये गोल नहीं हो सकता, यहाँ पे बॉटम वन बॉर्डर कलर बैकग्राउंड बॉर्डर बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंसी तो बन के तीस का इससे कुछ नहीं हुआ सॉल्व हो। ये जी एक सिंपल मैंने सेगमेंट लेवल पे चार्ट बनाया, मैं इसकी कॉपी करूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो मैंने दूसरा चार्ट बनाया, वहां पे मैंने डेटा सेट में पहले सेगमेंट लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्री, सेगमेंट पे मैं ले लेता हूँ कंट्री, अभी मैं सिर्फ ग्रॉस सेल्स को ले रहा हूँ ताकि वही चलती रहे, ये आपके सामने ग्रॉस सेल्स में ये कंट्री आ गई, इसमें मैं लिखता हूँ ग्रॉस सेल्स कंट्री वाइज, ठीक है जी। अच्छा अब नीचे पीछे पेज खत्म हो गया तो मैं फाइल करंट पेज सेटिंग वो यहाँ पे होती है,
इसकी मैंने नीचे को हाइट बढ़ानी है, तो मैं इसको लिख दूँ 2000 कर दो। अब नीचे देखें पेज लगा ये ये सर ये जो आपने नाम चेंज किया है ये बार चार्ट का इस तरह ऊपर सेगमेंट वाइज लिखा है और कंट्री वाइज ये कहां से किया आपने रीनेम जो किया है इसको सिलेक्ट किया जहां पे जो मैट्रिक आ रहा था ना ये मैट्रिक लिखा हुआ ये देखो जी जी इस पे मैंने यहां पे पेंसिल बनी अच्छा ठीक है ठीक क्लिक किया तो यहां पे अपने मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे डेटे में कोई चीज नहीं चेंज कर रहा मैं फ्रंट एंड पे चेंज कर रहा हूं डेटा मेरा वही का वही है ठीक है ठीक हो गया सर ठीक हो गया दो चीजें होगी मेरे पास ग्रॉस सेल्स आ गई सेगमेंट वाइज ग्रॉस सेल्स आ गई कंट्री वाइज और मेरे पास क्या था प्रोडक्ट वाइज अब मैं काम करता हूं इसी को कॉपी करता हूं जी फिर पेस्ट करता हूं सी इस पे मैं कंट्री को चेंज कर देता हूँ प्रोडक्ट के साथ ये आपकी सारी प्रोडक्ट आ गई इसका भी नाम चेंज कर देते हैं ग्रॉस सेल्स प्रोडक्ट वाइज सर क्या ये तीनों चीजें हम पाई चार्ट में दिखा सकते हैं इकट्ठे बिल्कुल दिखा सकते हैं ये तो हमने सोचना है कि हमने क्या दिखाना है अभी हम क्या देखना चाह रहे कॉन्सेप्ट असल में डेटा साइंस में बिजनेस इंटेलिजेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बिकता है जिसकी वैल्यू होती है वो ये होती है कि आप डैशबोर्ड में फ्लो कैसा बना ठीक है फ्लो कैसे होता है टॉप टू बॉटम किस तरह अगर किसी कंपनी में आप ऑर्गेनोग्राम देखे ना तो ऑर्गेनोग्राम सीईओ से शुरू होता है ठीक है जी और नीचे लोएस्ट लेवल तक जाना तो मैंने यहाँ पे पहला लेवल डिजाइन किया है ग्रॉस सेल सेगमेंट वाइज हमारे पास सबसे पहले बड़ा सेगमेंट था ठीक है फिर मैंने उसका ग्रॉस सेल्स कंट्री वाइज किया क्योंकि फिर अब मैंने प्रोडक्ट वाइज कर दिए और असल इस असल चीज क्या है इन सब की कनेक्टिविटी तो मैं अभी आपको ठीक है आगे चलते अभी हमने सिंपल तीन बनाए हैं अब और कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम ले सकते हैं अच्छा जी अभी हम वो नहीं ले अभी हम और काम करते हैं अब मैं एक काम करता हूं मंथ वाइज सेल्स देखते हैं यहाँ पे ठीक है मैं इसी को कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ जी यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे जी सर हम शीट को एक्सटेंड कैसे करेंगे मैं जब थर्ड चार्ट अगर फॉर इंस्टेंस लगा रहा हूँ तो पेज खत्म हो गया शीट एंड हो गई है ये इस पे पेज पे क्लिक करेंगे करंट पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके स्टाइल में जाके आपके पास ये हाइट है और ये विड्थ है मैंने यहाँ पे हाइट 2000 की थी चलो अभी मैं 4000 कर देता हूँ ये देखो मेरे पास पेज नीचे बड़ा हो गया बहुत लंबा नीचे तक चला गया आप इसको चेंज करो तो आपके पास भी हो गया ठीक हो गया थैंक यू अब मैं ग्रॉस सेल प्रोडक्ट वाइज को मैंने कॉपी किया था अब इसमें मैं डेटा में जाके इसमें चेंज करने लगा मैं डायमेंशन में उसको कहता हूँ मुझे महीना दिखा मंथ मंथ नेम आ रहा है नजर जी देखिए इसमें इशू क्या आ रहा है सॉर्टेड नहीं है मंथ वाइज नहीं है ठीक है मैं इसमें एक नीचे ऑप्शन होती है सॉर्टिंग ये सॉर्ट में वो कहता है मैंने ग्रॉस सेल से ऑटो और ये इतना स्मार्ट है उसने खुद ही देख लिया कि हम ऊपर से सॉर्टिंग कर रहे हैं वो सेल्स वाइज उससे सॉर्टिंग कर दी लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रॉस सेल्स को सिलेक्ट कर लिया सर हां लेकिन मैं ये नहीं चाहता तो मैं इसको चेंज कर लूंगा मैं इसको मंथ नेम से मैं कहता हूँ सॉर्ट करें और असेंडिंग करके दें अप्रैल अगस्त अब उसको ना वो डेट आइडेंटिफाई नहीं हो रही अब हमारे अब यहाँ से डेटे की क्लिनजिंग का इशू शुरू हो गया यहाँ पे आए यहाँ पे जो जनवरी फरवरी लिखा हुआ है ना ये देखें जनवरी उसको ये पता नहीं लग रहा कि ये जनवरी है अब आपको डेटा टाइप्स की समझ आएगी उसको
उसको नहीं पता कि ये डेट लिखी हुई है, अब यहाँ पे उसको नहीं पता ये डेट है कि नहीं है, तो मैं मंथ नेम को चेंज करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे डेट का कॉलम है, डेट वाला, यहाँ पे मैं डेट लेके आता हूँ, डेट सॉर्टिंग, सॉरी पहले मैं यहाँ पे डेट लेके आऊंगा, तो ये पहले मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उसको मैंने डेट को सॉर्ट करा दिया है। अच्छा जी, उसने उस महीने की वो डेट खा ली है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी। अब ये जो मैं चीजें कर रहा हूँ ना, या आप उस हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। स्टक हो गया है। एक मिनट, अब मेरी हेलो अब चल गया। ठीक है जी, अब आ रही है आवाज। जी जी, यस सर, अब आ रही है। ठीक हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे इशू आ रहा है कि वो डेट मुझे यहाँ पे सिर्फ महीने दिखाने, वहां पे तो हमारे महीने बने बनाए थे, तो आपने आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही जी आवाज सर, आवाज नहीं आ रही सर, हमें आ रही है। नहीं आ रही सर, आ रही है, अब आ रही है। चले ठीक है, आ रही है सर, तो नहीं आ रही है। चले थोड़ी थोड़ी, अब आ रही है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, वो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है इसमें काफी। मैं एक काम करता हूँ, वेट जी, मैं काम करता हूँ, मैं अपने सेल्फ, फिर देखते हैं आपको आवाज आती है जी। अब आवाज आ रही है सर, हमें तो आ रही है सर, हमें तो आ रही है। ठीक है बिल्कुल जी। तहसीन एंड सैनिश, आपको आ रही है सर? जी सर, आ रही है, क्योंकि आप लोगों के नेट में इशू होगा, क्योंकि बाकी सर मेरा काफी डिस्टरबेंस आ रही है, पता नहीं मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रहा है। तहसीन, आपके इंटरनेट में इशू है, बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है, उनके हैंड फ्री में मुझे लगता है कोई इशू आ रही है। हो सकता है हैंड फ्री में हो या इनके इंटरनेट में इशू हो, तो मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी आई थिंक सर नेट में प्रॉब्लम है, हमें आपकी आवाज ठीक आ रही है सर। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, अब यहाँ पे मुझे महीने दिखाने और मेरे डाटा को महीना किसी सूरत में दिखा रहा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा कि मैं इसको महीने में दिखा सकूं, तो मैं डेट पे क्लिक करता हूँ, इसमें वो दिखाते हैं कि डेट में वो क्या कहता है। मैं उसे कहता हूँ मुझे साल और महीना दिखा दो, ये बिल्ट इन ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको, भी परेशान नहीं होना। देखिए जी, उसने कहा जनवरी 13 और जनवरी 14 आ गया, जबकि हमें तो चाहिए कि पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब दिखाए। ऐसे ही है जी? जी सर। अच्छा जी, अब मैं एक और काम करता हूँ, मेरे पास मंथ नंबर भी मौजूद है, तो मैं इसको खत्म करता हूँ, डेट को इधर से मंथ नंबर ले लेता हूँ, मंथ नंबर ये आ गया, मंथ नंबर सही हो गया जी। नंबर वो रीड कर गया, ठीक कर गया। तो इस पूरी पर्पस क्या था कि आपकी जो इंटेलिजेंस है या पिवट टेबल है या डेटा स्टूडियो है, उसको जब तक समझ नहीं आएगी डेटा क्या है, तो उसकी एक लैंग्वेज अपनी है, उस लैंग्वेज की अगर उसको समझ नहीं आती तो उस वक्त तक उसको कोई समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने उसको उसकी लैंग्वेज में बताना है, तो अभी उसको पता लग गया है
ये जनवरी फरवरी मार्च महीना है और पता कैसे लगा है, ये मंथ नंबर पे मैं क्लिक करे तो उसके साथ में उसने ये डब्बा, आप देखे ये डब्बा कैलेंडर बना दिया, नजर आ रहा है जी, ये कैलेंडर है ये वाला जी सर, उसको पता लग गया, उसको पता लग गया कि ये जो है महीना है। अब उसने मुझे, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, ग्रॉस सेल्स इसको करते ईयर एंड मंथ वाइज, इसमें गड़बड़ है, हमारे पास 2 साल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने अगर 2 साल है तो उसके सारे महीने इकट्ठे कर दिए, मतलब उसने दोनों सालों को कंबाइन कर दिया। Now you need to keep quiet if you want to sit beside me. You don't need to speak anything. Okay? Now come on, sit down properly. Fazila, आप अपना माइक बंद करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे keep quiet, Alian. Fazila, अपना माइक बंद करें, please. आपकी आवाज आ रही सब? काफी ऑडियंस हमारे साथ है इस वक्त, है मुझे तो पता ही नहीं। ओके ग्रेट, मैं फिर लेक्चर इसी को जारी रखूं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ, ईयर, ईयर भी थी हमारे पास, किसी को समझ आई क्या हुआ है? उसने साल सेग्रीगेट कर दिए हैं, पहले वो कटा कर रहा था, 13 और 14 उसने सेग्रीगेट कर दिए। ठीक है, इसका ड्रिल डाउन ऑप्शन क्या है? ड्रिल डाउन मैं वही बताने लगा हूं, मैं इसको भी ऑन कर देता हूं। अब ड्रिल डाउन ऑप्शन ये होती है कि आपके पास की ना ये 2 एरो बन जाते हैं, नजर आ रहे जी सर। अच्छा, ये जो हम अभी काम कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा अभी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन मोड में हम काम कर रहे हैं, इसको जब आप व्यू करते हैं ना, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वो व्यू है जो यूजर को नजर आएगा डैशबोर्ड। अब ड्रिल डाउन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ ड्रिल डाउन के ऑप्शन क्या है। इस पे ये है ड्रिल डाउन मंथ नंबर, और ये ड्रिल डाउन है वो दूसरा। अगर इसमें हम और बहुत सारे महीने होंगे तो ये आपको ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे नजर आएगी। अभी हम इसको कर रहे हैं। अब मैं एक आपके साथ मजे की चीज शेयर करने लगा, मुझे कोई एक बंदा ईमेल एड्रेस बताया अपना, जीमेल वाला, sabinshafiq@gmail.com। आप अभी अपना जीमेल खोल लेंगी? हाँ जी। चलो यस, ये आ गया। कोई और बंदा भी बताया जी, मोहम्मद हसन इफ्तखार @gmail.com, MUH मोहम्मद हसन इफ्तखार, HASAN हसन, IFTIKHAR@gmail.com, KHAR, ठीक है जी। मैं इस पे सेंड का बटन दबाता हूँ, अब आपको एक ईमेल आएगी मेरी तरफ से, उस ईमेल को खोलें। जी आ गई है सर, इनविटेशन टू व्यू, हाँ इसको क्लिक करो। यही डेटा शो हो रहा है सारा प्रॉपर फॉर्म में। ये देखो मेरे पास नजर आ गया कि आप ऑनलाइन हो गए हो, नजर आ रहा है कि बंदा आ गया? जी 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 जी। तो आप एक डैशबोर्ड बनाते हो और आप पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। अभी मैंने आपसे शेयर किया, सुबीन को भी चला गया होगा, अभी कोई और है तो वो भी, और मुझे कोई बंदा देखना चाहता है तो वो भी मुझे बताए। मैंने क्या किया है, अभी शेयर पे जाके यहाँ पे ऑप्शन चेक करें, मैंने आपको सिर्फ व्यू करने के राइट्स दिए,
आप एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा ये जीमेल, जीमेल के अलावा और कोई आईडी पे नहीं जा सकता, मतलब हॉटमेल याहू वगैरह? टेस्ट कर लेते हैं, है तो बताओ, क्योंकि गूगल डाटा स्टूडियो गेस कर मेरे ही लिख लें, UMAIR 672 hotmail.com एक जीमेल का भी सर, एक जीमेल का भी करते बताएं। AHSAN AHSAN SN MUBEEL सॉरी MUBEEL MUBEEN MUBEEN @gmail.com ठीक है, ये मैं सेंड करने लगा हूँ। देखिए आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है, ये देखिए मुझे नजर आ रहा है, दो बंदे इसको व्यू कर रहे हैं, ये मैंने अभी डैशबोर्ड बनाया, लेकिन अभी इस पे हम और बहुत कुछ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे सिर्फ ये दोनों बताओ कि आपको नजर आता है, उतनी देर में काम करने लगा हूं। मैं इसको सारे ग्राफ्स को सिलेक्ट करके इसको इसको और इसको सिलेक्ट किया, एक और आ गया बंदा होना, ये मैं अकेले ही मैं भरी आई हूँ, ये कौन आया जी, इसका कौन बंदा ऑनलाइन हुआ जिसने खोला है? ऐसे ने खोला हुआ सर, ठीक हो गया। और ये हॉटमेल के ऊपर मुझे इनविटेशन आ गई है, मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज से शेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये फर्दर भी आके मजीद शेयर हो सकता है, यानी कि जो व्यू कर रहा है वो भी आके इसको शेयर कर सकता है। ये देखे ना, मैंने बंद कर दी शेयरिंग, अब नहीं आप कर सकते, मैं एडमिन हूं, मैंने बंद कर दी, अब आप इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं सर। मैं आपको सिर्फ अभी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पर्पस हमारा भी बहुत लंबे चौड़े पर्पस है, अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब मैं एक और चीज करने जा रहा हूँ, जहां पे ना मैं कुछ चीजें डालने लगा हूं। हमारे पास क्या है जी, मैं डालता हूँ, चलिए गूगल, गूगल का आईडी के ऊपर ही ओपन हो गई, हॉटमेल से मैं ओपन कर रहा हूँ तो मुझे वो कन्वर्ट कर रहा है कि आप जीमेल के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने इसीलिए आपको टेस्ट कराया था, पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो सिर्फ हॉटमेल पे चलाने देता है या अपने अपने पे, गूगल वाले कहते हैं हमारे आईडी पे चलाओ, तो आपको सेम डोमेन में रहना पड़ता है, क्योंकि अपनी अपनी प्रोडक्ट बेचनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं एक चीज करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं एक चार्ट ऐड करने लगा हूँ, चार्ट में मैं डालूंगा कंट्रोल फील्ड सिंपल, ऐड कंट्रोल में जाके ना मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर, ये मैंने ऐड की यहाँ पे, उसने सेगमेंट उठा लिया ऑटोमेटिकली। मैं कहता हूँ कि इसका स्टाइल कॉपी करके इसको भी पेस्ट कर दे, ये ऐसे ही कर, ठीक है जी, रंग इसका हम बदल देते हैं, भाई साहब काले हैं तो इसको हम पीला कर लेते हैं, और थोड़ा शार्प पीला ही है, हल्का कर लेते हैं, ये पीला ही रखो भाई, बैकग्राउंड जो है थोड़ा हल्का कर, कलर भी बैकग्राउंड के बाद बैकग्राउंड, इसको मैं कहता हूँ
टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दो, सेगमेंट इसकी भी लाइन में कर दी मेरा सेंटर वर्टिकली, लेफ्ट से मैं करता हूँ थोड़ा आगे ले जाओ, 16 by 36 को ले जाओ, 70 को ले जाओ सेंटर। सेगमेंट बीच की कॉपी बनाई, यहाँ पे पेस्ट किया, इस पे मैं सेगमेंट की बजाय कंट्री, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर मैंने इसको कर दिया प्रोडक्ट 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 का। मैं तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे टॉप पे आ जाए। अब जो मैंने जितने चार्ट बनाए ना नीचे, अब उन चार्ट्स को मैं कुछ चीट करके दिखाने लगा। अब आप देखें ये जो चार्ट बने हुए, मैं एक नया चार्ट बल्कि इसको ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे एक नया चैट है, ये मैं एक चार्ट ऊपर ले आया, ये हमारी जनाब सेल्स आ रही है मंथ ऑन मंथ, ठीक है जी। मैं ये बाकी के चार्ट थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाता हूँ, इसका चार्ट का हेड रखना था, ये मैंने दिखाई जी सेल्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसी के आगे मैंने सेल्स के बाद मैं दिखाता हूँ यूनिट सोल्ड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ जी। यूनिट सोल्ड आ रहे हैं जी, यूनिट सोल्ड ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँ, एंड भी ठीक है, एंड भी आ जाएगा, बुरा लग रहा है, ये भी कुछ ठीक लग रहा है, ऐसे भी ठीक है ठीक। इसी चार्ट लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर इस ये जो आपने सेकंड वाला चार्ट बनाया है इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि बार और ये जो लाइन है ये दोनों इकट्ठी भी तो आ सकती है ना सर, जैसे वो एक्सेल में वो चेंज कर लेते हैं।
इसमें डबल एक्सिस हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेटा को वैसा बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर वो है ना बीच में जो वो 3 महीने है, सिर्फ 4 महीने, दिसंबर, ये नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, तो अगर उनको हम बना दें ये इसमें लाइन में और बाकी बार बना दें तो उससे भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, दिसंबर नवंबर अक्टूबर। अच्छा, ये सेकेंडरी से सॉर्ट करी जा रहा है, प्राइमरी सॉर्ट के जरिए से इसको सेंडिंग का, उसको भी मैंने प्राइमरी सॉर्ट जो है असेंडिंग कर। मैंने यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की है, 2013-14 की सेल्स, 2013-14 की यूनिट सोल्ड। अगर मैं इसी के अंदर सेल्स के साथ, अच्छा आप मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज करता हूँ चार्ट, दोबारा कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे अगर इसमें मैंने एक और डायमेंशन डालनी हो तो मुझे डालने दे देगा, डालने दे देगा। मैंने मैट्रिक एक लिया है, मुझे दूसरा मैट्रिक नहीं डालने देगा। चलो मैं अभी इसको उसी फॉर्म में लिया, जनवरी को फॉर्म। ये हमारी सेल्स है, इसमें यूनिट सोल्ड और डाटा लेबल से दिखा दो भैया, शो डाटा लेबल्स, शो डाटा लेबल्स, दूसरी को भी दिखा दो इसमें भी। ठीक है, यूनिट सोल्ड आ गए। अब मैं इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं, इसमें यूनिट सोल्ड की साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो, हो गया। इसके बाद एक और चीज ऐड करता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बजाय प्रॉफिट ले लेता हूं। ठीक है जी, इसी को कॉपी करता हूं, इसको प्रॉफिट के बाद में एक और चीज ले लेता हूं, सेल प्राइस। यहां पे मैं पब्लिश सेटिंग ऑन करता हूं, सेल सर्च। ये है जी ईमेल एड्रेस आप लोगों के,
कितने हो गए इस वक्त, दिस 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 बारी बारी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी शेयर कंट्रोल वी फिर जाऊं मैं किधर गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी जुनेद मलिक ये हमारे साथ है नहीं? जी सर आपके साथ हैं हम। ओह सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, आपकी तस्वीर बड़ी यंग आ रही थी ना। सर मैं यंग ही हूँ, 25 साल का। ये क्या कह दिया आपने? अच्छा जी, ये फरहीन नहीं वापस आई, पता नहीं इन्होंने तो पेमेंट भी कर दी थी। जुल्फिकार ये आ गया जी, ये मुझे नहीं पता कौन है। सुप्रीमा आयशा ग्राम इंसान ताहिर जवाब अहमद इन्नो शिफा खैबे तस्वीर, मैं उनके नाम पेश कर रहा हूँ जो हमारे साथ है। ओके सर, ये आपका ईमेल एड्रेस है ना? बताओ। यस सर, क्या कह रहे हैं? ये आईडी का कॉपी पेस्ट कर रहा था, चल पूछो। आवाज थोड़ी आपकी सर कट रही है। अच्छा, आपके लिए कट रही है जी? अब सही है, अब सही। नहीं सर, सही है आवाज। ठीक है, सही है। अच्छा, एस एस मुबीन तो मैंने कर दिया था, हसन इफ्तिखार भी कर दिया था, ये नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो अभी मुझसे तो मेरा नाम नहीं है। उस्मान बताओ अपना आईडी। उस्मान जी, जी मैं बता रहा हूँ सर, मोहम्मद डॉट उस्मान mohammad.usman 6006 6006। हाँ जी, आगे @gmail.com। अच्छा, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना बताएं जिसका मैं मिस कर रहा हूँ। SAIM UMT आपका तो मेरे पास आना चाहिए। और जी तो मेरा भी ऐड कर दें। आए, हाँ बताओ अपना ईमेल। नरमीन तूर NARMEEN जी सर, tour@gmail.com ठीक है जी? देखो सही है सर। यस सर, मैं ये सेंड का बटन दबाता हूँ। अब आप लोग अपनी नोटिफिकेशन चेक करें कि सबके पास नोटिफिकेशन आ गया, फिर मैं आपको कारस्तानी दिखाता हूँ। हमने एक डैशबोर्ड बनाया है जो हमें क्या क्या दिखाता है। अब हम यस सर, मेल आ गई है मोहम्मद मुदस्सिर के नाम से। बस ठीक है, ठीक है, मैं इस डैशबोर्ड को खोलने लगा। बंदे गिनने कितने है? काफी है, गिनती नहीं कहीं आती यहाँ पे। आपको नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स कितने? 15 आ रहे हैं सर हमारे पास। 15 पार्टिसिपेंट्स, उमर की विंडो में 3 लोग है ना। उमर को 3 समझा जाए। ये देखिए मेरे पास आपको व्यू नजर आ रहा है, ये जो जो बंदा ऑनलाइन आई जा रहा है मुझे उसकी शक्लें दिखा रहा हूँ। जी सर,
तो ये आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं एडमिन वाली साइड पे हूँ, मैंने डिजाइन किया है तो मुझे नजर आ। अब हम इसको ना इसकी असल ब्यूटी देखने की कोशिश करते हैं। मैं अभी व्यू करता हूँ। हेलो सर, मैंने बताना था कि रेहान अल्लाह वाला इधर ही आया हुआ इस्तांबुल में ना, मैम साइमा को बताना था मैंने। अच्छा जी हाँ, दैट्स ग्रेट। अब आप लोग ये डैशबोर्ड देख रहे हैं जी? जी सर। अब हमने एक चीज तो की नहीं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस टेबल में क्या है? इस टेबल का लेजेंड तो आ रहा है लेकिन इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, या आप लोग जुबानी याद रख लेंगे? एक में सेल्स है, एक में यूनिट सोल्ड है, एक में यूनिट सोल्ड है और एक में प्रॉफिट था। कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और इसके अंदर है जनाब प्रॉफिट, इसके अंदर है सेल प्राइस और ये बाकी नीचे हमने सारी चीजें डाली। अब इसकी ब्यूटी देखते हैं जी, जो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे ना तीन ड्रॉप डाउन लगाए थे, ऐसे ही है जी। अब मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा, कोई भी एक। ये देखिए प्रोडक्ट नजर आ रही है सारी? मैं जी जी आ रही है सर। पैसिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सारे ग्राफ जो है ना वो पैसिव के हिसाब से चेंज हो गए, देख सकते हैं आप। जी सर। जी सर। उसने क्या किया है? ये हमारे पास भी चेंज हो गए सर, जो आपने शेयर किया है। नहीं, आप खुद से उसको फिल्टर लगा के चेंज करें। ये इसी की यही तो खूबसूरती है, जिस तरह एक वेबसाइट एक बंदा यूज करता है तो वो अपने एंड पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया तो वो चेंज हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ एक सेगमेंट दिखाओ गवर्नमेंट वाला। आपके पास ये सारा डाटा आप सिर्फ एक गवर्नमेंट का नजर आना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप? ये हर चीज चेंज हो रही है जी सर। मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ जून पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास जून लिखा हुआ, मैंने जून पे क्लिक किया तो आप ऊपर देखिएगा सारे चार्ट्स में अब जो डाटा नजर आ रहा है इस सेगमेंट का, देखिए सिर्फ जून जून नजर आ रहा है। जी सर। मैं इस पे क्लिक करा, मैं एक इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऊपर जो जितना भी डाटा नजर आ रहा है सारा मई जून का नजर आ रहा है। मई जून जी सर, देख सकते, देख सकते हैं। अच्छा मैं रीसेट कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं सारा डाटा देखना चाहता हूँ स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइज के हिसाब से। मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ इसको और इसको सिलेक्ट कर लो। हर चीज अब सिर्फ इन दो स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइज की नजर आ रही है। कैन यू सी? यस सर। हर चीज उसके हिसाब से चेंज हो रही है। फिर रीसेट कर, मैं सिर्फ यहां से भी देख सकता हूं, मैं सिर्फ कनाडा देखना चाहता हूं। नजर आ रहा है जी? ये अब सिर्फ कनाडा है। और इसकी खूबसूरती क्या है अब मैं आपको समझाता हूं, जिसके आजकल दुनिया में पैसे मिलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एक डेटा सेट था हमारे पास, ये वाला डेटा सेट। इस डेटा सेट को मैंने मुख्तलिफ एंगल्स में दिखा के, जब आप एक्सेल में करते हैं या किसी और चीज में तो ये कनेक्टिविटी जो चार्ट्स की है ना आपको डिजाइन करनी पड़ती है, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली हर चीज को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं शेयर की ऑप्शन में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शेड्यूल ईमेल डिलीवरी, स्केड्यूल ईमेल डिलीवरी। अब मैंने 400 बंदों को ये रिपोर्ट भेजनी है और मैं चाहता हूँ ये सुबह 9:30 बजे ऑटोमेटिकली उसके इनबॉक्स में चली जाए।
सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह उठूंगा मैं और मैं रोज रिपोर्टें भेजूंगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन ऑप्शन आ गई है कि मैंने किसको भेजनी है, मैं यहाँ पे नंबर ईमेल एड्रेसेस डालूंगा अपनी मर्जी का, यहाँ पे मैसेज लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, उसको दे दूंगा कि किस डेट से शुरू हो जाओ। फर्ज कर मैं कहता हूँ 20 अप्रैल से शुरू हो जाओ और तुम सुबह 8 बजे की बजाय 9:30 बजे सेंड कर, और मैं से कहता हूँ मुझे डेली भेजनी है, सिर्फ वेडनेसडे भेजनी है, थर्ड वेडनेसडे भेजनी है, आपकी मर्जी है, कस्टम कर लें। कस्टम में आपको ऑप्शन दे रहा है कि हर एक दिन बाद, हर हफ्ते बाद, किस दिन पे, एवरी उसने हर चीज दे दी है, तो यू कैन कस्टमाइज दिस। उससे क्या होगा, ये जब ईमेल जाएगी ना किस फॉर्म में शक्ल में जाएगी। अब अगर आपने ये डैशबोर्ड बना लिया ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं करता हूँ डाउनलोड रिपोर्ट। वो कहता है जी कि मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर दूं, मैं कहता हूं कर दो। एक चीज दिखाता हूं उसकी, पहले वो पीडीएफ बना रहा है और मैंने फिल्टर लगाया हुआ, तो आप देखना वो पीडीएफ में भी फिल्टर दिखाएगा। ये मैंने पीडीएफ आपके पास, इसको मैं उसको ऑनलाइन पीडीएफ को खोल दिया है, मैं इसको ऑनलाइन पीडीएफ की बजाय उसमें खोलता हूँ कि मेरे पास अपना पीडीएफ। आ गया जी, जी सर वो फिल्टर के साथ ही आया है। फिल्टर के साथ आया, इसका मतलब ये, और ऊपर से देखो आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है सारी की सारी। जी सर, ये कोई फॉर्मेटिंग मतलब कोई कुछ नहीं, हर चीज इन ऑर्डर। इसका मतलब सर ये है कि जिस डिपार्टमेंट को आप जोन से डाटा दिखाना चाह रहे हैं वो सिर्फ वही देख सकता है, उसके अलावा वो किसी दूसरे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं अभी ऐसा नहीं है, अभी आप लोगों को, आप लोगों को मैंने अभी, मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है ना, आप लोगों को सारा डाटा नजर आ रहा है, देखिए जरा। जी सर, जी आ रहा है, सारा ही नजर आ रहा है, हम चेक कर सकते हैं। जी सर ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं वो अभी आगे सिखाऊंगा कि इसके ऊपर रो लेवल सिक्योरिटी कैसे लगती है, कि अगर फर्ज करे मैं चाहूँ तो उस्मान को सिर्फ कनाडा नजर आए, डैशबोर्ड मेरा एक ही हो, और उस्मान को सिर्फ दो प्रोडक्ट्स नजर आए, सेगमेंट ये नजर आए, सिंपल। तो वो क्या करता है, वो पीछे पूरी एक हमें साइंस लड़ानी पड़ती है, मैं उसको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फर्ज एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं गूगल शीट बोलता हूँ हम कैसे करते हैं। Business intelligence data access backend में ना ऐसी एक शीट बनानी पड़ती है जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, नजर आ रहा है? जी सर। जिस बंदे को जो जो चीज दिखानी है ना, ये फर्ज करो एक ईमेल, फर्ज करो ये बिजनेस इंटेलिजेंस की जगह पे उस्मान का ईमेल एड्रेस है, तो मुझे वो डेटा बैकएंड में बनाना पड़ता है कि उस बंदे को क्या क्या दिखाओ। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑटो विड्रॉल की डेटा नीचे आता हूँ तो यूजर दिखाता हूँ, तो देखे फर्ज करो ये मोहित को भी छोड़ो, एक इंडिविजुअल क्या, ये देखो एक बंदे को क्या क्या चीज दिखानी है, ये आपको बाद में सिखाऊंगा, दिस इज टफ, लेकिन ये एक बैकएंड पे सारी साइंस लगानी पड़ती है। अभी आपका पॉइंट ये, आपने अभी क्या सीखा है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये एक एक्सेल में डाटा था, ये जो डाटा है इस डाटे को फर्ज कर लें हमने जो 4 लेक्चर्स किए हैं उस डाटे में हमने ये अभी क्लिनजिंग नहीं की, ये सीधा 15 डाटा था आपके पास फाइंड शक्ल में, और इस जब आपके पास ये एक इस तरह का डाटा आपने बना लिया ना, उसके बाद आगे कोई रॉकेट साइंस नहीं बचती। सिंपल गूगल शीट के अंदर जाके मैंने उसको पेस्ट किया, उसको मैंने इस डैशबोर्ड से कनेक्ट किया, इस डैशबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद मेरे पास बाकी सारी चीजें बिल्ट इन आ रही हैं, इसकी सेटिंग अब ये सारा ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है। ये आप देखिए हमें डैशबोर्ड बनाने में कितना का टाइम लगा, हम शुरू हुए हैं कोई 40 पे शुरू, और ये डैशबोर्ड आपके पास रेडीमेड कंडीशन में तैयार है।
जी सर। अब ये डैशबोर्ड को बनाने के लिए जो सीखने वाली चीज क्या है, वो है इस डेटे को बनाना। ये तो आपको बड़ी खूबसूरत शक्ल में डेटा मिल गया ना, तो आपने फटाफट चढ़ाया और बना दिया। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में या डेटा साइंस में या डैशबोर्ड डिजाइनिंग में 20% इज डेटा विजुअलाइजेशन और 80% है डेटे की क्लिनजिंग। और वो डेटे की जो क्लिनजिंग है वो क्या है कि आप उस डेटे को इस शक्ल में लेके कैसे आएंगे। आप लोगों ने एक प्रैक्टिस की जो मैंने आपको फाइल दी थी, उसमें अगर आपको पावर क्वेरी ना होती और आपको वो काम डेली करना पड़े तो आपका क्या हाल होगा? अग्रीड सर। टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। आप कर ही नहीं सकते यार। आपको डेली की अगर फर्ज करो उसी फॉर्मेट शेप में फाइलें आती हैं और आपने डेली उनको पहले ठीक करना है, उनकी शक्ल बनानी है, फिर उसको इस फॉर्म में लेके आना है, फिर आपने डैशबोर्ड बनाना है, तो आप क्या स्टेप्स डिजाइन करते हैं कि आपके पास रॉ डाटा जिस मर्जी शक्ल में आए आप उसके ऊपर अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, वो आपको एक शक्ल तैयार कर देता है, आप उसको कॉपी करते हैं, गूगल शीट में पेस्ट करते हैं, फ्रंट एंड पे आपने डैशबोर्ड डिजाइन किया है और वो खत्म। अब एग्जाम्पल देता हूँ, अब देखिएगा आप इधर से भी कर सकते हैं। मैं इस पे फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर लगाया और फिल्टर में सिर्फ मैं कहता हूं सिर्फ ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो और मैं यहां से डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लू। अपने पास देखिए आपके पास क्या क्या नजर आ रहा है, प्रोडक्ट्स देखिए कितनी आ रही। जिनको लिंक किया है उनका भी रिफ्रेश हो गया। करो ना मेरे पास तो ये लिंक नहीं है। नहीं, अच्छा आपका हॉटमेल है, आपके पास दूसरा बैठा है ना उसका खोलो, क्या नाम है? नहीं, एसएन का तो पिछला था। चले बाकी लोग देखे जिनके पास भी मैंने लिंक भेजा है उसके पास प्रोडक्ट्स कितनी आ रही है। सर एक ही प्रोडक्ट आ रही है, एक ही बंदा कह रहा है, बाकियों का भी वास होना चाहिए। दुल्फकार साहब आप सर रिफ्रेश किए तो अब एक प्रोडक्ट आ रही है, एक ही आ रही ना। क्या किया मैंने, मैंने सिंपल अपनी शीट में जाके एक फिल्टर लगाया अभी सिर्फ। और अगर आप फर्ज करें आप इस वक्त बैंक में हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपने 50 लोगों से डैशबोर्ड शेयर किया हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, यहाँ से वो बाकी चीजें खत्म कर दी है, हर बंदे की विजिबिलिटी आपने बंद कर दी, वो सिर्फ वही देख सकते। ठीक है, मैं एक और काम करता हूँ, मैं फिल्टर खत्म कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, ओके। मैं करता हूँ जी कि आप लोगों को सिर्फ जनवरी नजर आए, बाकी मैं दिखाना ही नहीं चाहता, मैं फरवरी कर लेता। चलो खत्म कर ही जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ। अब देखिए आपके पास सिर्फ फरवरी आ रहा है, जी सर फरवरी आ रहा है। आप मुझे बताएं एक्सेल में इसके अलावा किसी टूल में किसी चीज में आप किसी ने आज तक ये चीज देखी है? नहीं सर, मैंने तो ऐसे नहीं देखा कभी। नहीं सर, ये इसको कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, पावर बीआई इसी तरह, हर चीज इसी तरह बैकएंड पे होती है। असल साइंस क्या है वो कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना पावर बी एक्सपर्ट हूँ मैं, आईबीएम वाटसन का एक्सपर्ट हूँ मैं, टेबलो का एक्सपर्ट हूँ, जो कहता है जी कि मैं डेटा स्टूडियो का एक्सपर्ट हूँ, हाई सेंस का एक्सपर्ट हूँ, आपको हजारों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल डेटा बॉक्स का एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा साइंस इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग दिस टेबल ओनली। और इस टेबल को डिजाइन करने के लिए जिसके पास एक्सपर्टीज है ही इज हाईली पेड। अब मैं आपको इस डैशबोर्ड की एक एग्जाम्पल दिखाने लगा, मैं पहले फिल्टर क्लियर कर दिया मैंने,
सर एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरा, ये जो आपने ऊपर फिल्टर बनाए हैं ये जिस तरह एक्सेल में हम स्लाइसर ऐड करते हैं लेकिन ये उससे एडवांस है क्योंकि आप बैकएंड पे डाटा जी स्लाइसर है ना वो लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ होता है exactly. ये जो इसको कंट्रोल्स कहते हैं ये कंट्रोल्स है मुख्तलिफ किस्म के, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें, फिक्स साइज बना लें, कोई इनपुट करा लें, एडवांस फिल्टर लगा लें, आप कुछ कर लें स्लाइसर में. आप यहाँ पे देखो ना कंट्री है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कैनेडा, वहां पे आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते वैसे नहीं, भी वहां पे सिर्फ क्लिक्स पे है. हाँ जी हाँ जी, और वैसे भी वो लिमिटेड है ना एक बंदे के साथ है. जी सर जी सर. तो और सर स्लाइसर्स को कनेक्ट भी करना पड़ता है ना ऑब्वियसली सारे टेबल्स के साथ. फिर मैं कह रहा हूँ ये ऑटो कनेक्ट करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स. ठीक हो गया. अब असल चीज में जो आपको जिसपे आप लाता हूँ ये डैशबोर्ड देखे, मैंने कोई गांबरी मारा ये डिजाइन. आप अभी मैं यहाँ से जाता हूँ गूगल पे जाता हूँ गूगल और मैं इस पे लिखता हूँ डैशबोर्ड्स और इमेजेस पे आ जाता हूँ. ये नजर आ रहे हैं जी. मैं एक के कुछ स्टेप्स खोल लेता हूँ. मैं एक खोलता हूँ जो मैंने अभी चीज डिजाइन की है उसको हम खोलते हैं, एक बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए. इसमें है कोई ऐसी कोई अनोखी चीज जो आप नहीं कर सकते आफ्टर प्रैक्टिस? क्या दिखा रहा है वो? न्यू अकाउंट्स कितने हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये मैंने आपको बताया नहीं है. ये सिर्फ एक स्कोर कार्ड है उसने ऐड किया हुआ. यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक सिंपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ. ऐड चार्ट में ऊपर ये होता है स्कोर कार्ड. मैं अगर सिंपल स्कोर कार्ड ऐड करूँगा ना तो ये उसमें टोटल वैल्यू दिखा देगा एक ग्रॉस सेल्स की, जिस तरह ये डैशबोर्ड में नहीं दिखा रहा ये वाला. तो ये स्कोर कार्ड होता है, वो स्कोर कार्ड ऐड करते जाएं, वो सारे उसका नाम बदलते जाएं. तो ये अभी आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ये मैंने एक डैशबोर्ड दिखाया, इसमें परसेंटेज दिखा रहा है, ये मेन चीजें दिखा रहा है, ये सिंपल ये स्पेंडिंग दिखा रहा है. आप ये दूसरा डैशबोर्ड ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कोई नहीं, आज से पहले ये बड़ी चीज थी, अब आपको बड़ी नहीं लग रही है? हाँ जी ऐसी है सर, देखने में पहले ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कौन सी रॉकेट साइंस की भी है जो इतने जी. लेकिन ये रॉकेट साइंस अभी आगे बनेगी क्योंकि डाटा सेट्स जो होते हैं ना उन पर मेहनत करना पड़ती है. अभी तो मैंने आपको बने बनाए डाटा ये देखे जी जी. और जितने आप डैशबोर्ड देख रहे हैं इन डैशबोर्ड में मेन चीज वही है विजुअलाइजेशन. लेकिन इस विजुअलाइजेशन का जो बैकग्राउंड है वो आपको डिजाइन करना पड़ता है. और देख लेते हैं ये देख लेते हैं ये उसने तो मुख्तलिफ बनाया. अब ये सिंपल डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग आप जितनी मर्जी करते रहे जैसे मर्जी खूबसूरतियां बना लें. खूबसूरतियां बनाने के लिए आपको बैकएंड पे डाटा बनाना आना चाहिए. जो मैंने पहले दिन कहा था कि डाटा बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला डैशबोर्ड देख लो. ये उसने उसी तरह लाइन चार्ट बनाया हुआ, बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है. असल मैं अब आपको जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा था, नौकरियों पे तो आप इसको यूज करें या ना करें आपकी मेहरबानी है. अगर आप मैं जो सिखा रहा हूँ उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो बड़ी मेहरबानी होगी. अब मैं आपको जिस चीज पे लाना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए. मैंने पहले सेशन में भी ये दिखाया था. ये अपवर्क, इस अपवर्क पे आप देखें ये जॉब्स हैं जो अवेलेबल होती हैं जो आपने काम करना है. ये मेरी प्रोफाइल के हिसाब से वो क्या बता रहा है कि डेटा मैनेजर चाहिए फॉर ई कॉमर्स के लिए. इसकी तो उसने बजट एक घंटे का $8 रखा. आप कहते हैं जी 10 घंटे में कर दूंगा तो आप $80 ले लें. आप कोई और देख लेते हैं ये $50 है. उसने डेटा एनालिसिस करना, करना क्या है ये कोई पढ़ सकता है जी? अगर आपको नजर आ रहा है ये पढ़े क्या लिखा है? वर्बल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड लुक इनटू द बेस्ट सॉल्यूशन. वर्बल रीजनिंग क्या है? आपने अभी जो की है डेटा को पढ़ा ही है आपने? आपने अभी जब हमने इस डेटा शीट को पिवट चार्ट बनाए थे
ये अब ये डेटे को पढ़ा ही आपने सारा, ये पढ़ के ग्राफ ग्राफ ये वर्बल रीजनिंग है सारी, और इसके डॉलर्स कितने हैं जी तो बताएगा $50 है, $50 मैं 50 को अगर मल्टीप्लाई करूं कितने से, 170 का 80 का है, 182 है सर। चलो उसमें से 25% 30% आप फर्क ले लेता, मैं कहता हूँ 150 का है, 7,500 रुपया ये काम करने के लिए जो अभी आप जितने सेशंस किए कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम बता सकते? एक घंटा, एक घंटे में 7,500 रुपया ठीक हो गया। अभी मैं आगे आता, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई, आगे आए जी। मैं अभी मैंने आपको सिंपल बताया इसका एस्टिमेटेड बजट क्या है जी, पड़े $7,000 चाहता क्या है, एक्सेल एक्सपर्ट नीडेड फॉर मैचिंग ऑफ डाटा एंड एम्प्लीफाइंग डेट्स, दैट्स इट, करना कुछ भी नहीं। ये मुझे कोई पढ़ के सुनाए, मैं चाहता हूं ये कोई बाबा दे प्लान पढ़े, ये वाला हाय डियर, Hi there, I need someone to help with an Excel spreadsheet. We need historical employee pay rates matched up with their timesheet entries by the date of the pay period. We have two tables, one with the list of timesheets that has each employee row by row with pay dates, but missing hourly pay rates. The second table has a list of historical employee hourly pay rates. At different dates, employees hourly pay rates has increased. We need to insert the correct hourly pay rate for the date in the rows in the first table. इसकी price check किया आपने? और इसको मैं आपको इसको मैं करके दिखाता हूँ। 7,000 सर अब 150 कर लें। 70% कर देता हूँ ना कि हमें 70% मिलता है सर। 49 5,000 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी $5,000 मुझे मिलेंगे सारा कट कटा के मल्टीप्लाइड बाय 150 कितने पैसे बने जी 7,750,000 और ये जो उसने स्टेटमेंट दी है मैं आपको अल्लाह को आज़म नाज़म जान के कहता हूँ अगर आप लोग पावर क्यूरी सीख जाए ना तो ये मेरे लिए तो घंटे का काम है आप लोग एक दिन का लगा लें इससे ज्यादा का काम नहीं है ये कोई मेरी बात समझ सकता है जी सर सर अगर इसको एक्सेल में करने जाएंगे दूसरे तरीके से तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं वो देखिए उसने तो आपको जो मैंने पहले दिन सिखाया था प्रॉब्लम समझनी इम्पोर्टेंट है बाकी तो आपने खुद ही करना है सही ये $30 है सिर्फ सॉर्टिंग करनी है आगे बढ़े क्रिएट वर्क बुक एनालिसिस ड्राफ्ट की फाइंडिंग $400 आप लोगों को मैं क्या समझाऊं मैं अपनी यहाँ की अर्निंग मैं अपनी ऑफर की अर्निंग आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा संजीव फिर नौकरी छट गया ही ना कर लिए जी अगर आप ये चीज सीख जाएंगे नहीं सही बात है उन्हें सीरियस नोट सर नहीं नहीं सर ये तो ज्यादती है आपको दिखाना चाहिए अपवर की अर्निंग मैं नहीं दिखाऊंगा अच्छा जी अब चले ठीक है थैंक यू वेरी मच फिर अपने पास रखे अभी अच्छा जी अब आप लोग ये देख रहे हैं ये नीचे पढ़ लें ये कितना बजट है इसका $1,000 क्या कह रहा है एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग विद एसपीएसएस स्किल हमने एसपीएसएस स्किल को गोली मारनी है उसको हमें क्या हमें डेटा तो हम करके दे देंगे अभी मैंने आपको सिंपल एसपीएसएस में तो थीसिस लिखते हैं नहीं नहीं थीसिस नहीं लिखते एसपीएस स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स का टूल है थीसिस उनको उसको यूज करने के लिए करते हैं बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिख के दिखाता हूँ डैशबोर्ड अब आपने देखना है डैशबोर्ड के क्या पैसे एक्सेल के पैसे थोड़े हैं कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है जी 3022 ठीक हो गया अब मुझे आपने बताना है ये $100 में
वो कहता है जी मैं $100 लूंगा, दो दिन में आपको डिलीवर कर दूंगा। ये जो बंदे बैठे हुए हैं ना वो बता रहे हैं, वो अपना रेट बता रहे हैं, ये $75 कह रहा है। और ये डाटा स्टूडियो का डैशबोर्ड बना कर देता है, इसको बोलते हैं जी क्या भाई साहब करते हैं, अब आपको पता लगेगा कि आप किस दुनिया में बसते हैं। मुझे बताएं ये जो ये दिखा के $75 मांग रहे हैं, इसमें क्या करना है इसमें? मुझे बताएं सर, बेसिकली तो डेटा ही पीछे मेंटेन करना है जैसे आपने बताया, डेटा ही जो है वो सॉल्व। और सिर्फ आपने आपने यहां पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना और आपका डैशबोर्ड तैयार है, खूबसूरती बनानी है, ड्राइंग बना के देनी है उनको। हां जी, लेकिन आपको डेटे को खेलना जब तक नहीं आएगा ना तो आप फ्रंट पे कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसको छोड़ो, मैं आप करता हूं तो फाइंड वर्क, मैं वर्क फाइंड कर फाइंड वर्क, यहां पे मैं लिखता हूं सर्च फॉर अ जॉब, मैं यहां पे लिखता हूं डैशबोर्ड। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डैशबोर्ड के रेट्स क्या होते हैं, एक्सेल के रेट्स और डैशबोर्ड के रेट्स में फर्क बताना चाह रहा हूँ। गूगल एनालिटिक्स टैग मैनेजर आपके छोटे छोटे $200 क्या है जी, कितने डॉलर है जी? $200 डेटा एनालिस्ट टू विजुलाइज डेटाबेस एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज। अब आपको लगता है कि ये तीन चार लेक्चर के बाद ये चीज आप कर सकते हैं? चलो मैं इसको पढ़ के सुनाओ, इसको पढ़ के सुनाओ फिर पता लगेगा। ये पढ़ के सुनाओ मांग क्या रहा है, सिंपल पढ़ के सुनाओ क्या कह रहे हो। तो कोई तो पढ़ दो। We need someone to help us visualize our database. Pivot table or dashboard where we can see our best opportunities cost wise and then where we shouldn't focus because it is too expensive. This database is full of websites that we pay to get links instead of get posts on. मुझे आप में से कोई बंदा क्लेम कर सकता कि वो बना सकता है आपके? नहीं, थोड़ी सी एफर्ट डाल के anyone? किसी का जवाब नहीं है। यस सर, हम कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह क्लेम करेंगे। सर एक चीज इसके अंदर जो के अगर आप कोई चीज आपने कोई जॉब ली है और आप उसको पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट करते हैं बट वो समहाउ उस बंदे को जिसने जॉब एडवर्टाइज किया उसको पसंद नहीं आता, देन वो तब भी पे करता है आपको या नहीं? नहीं, फिर अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। सर अब आपको बताता हूं, अब आपने बिजनेस एनालिस्ट के लिए सवाल पूछा, पहले हम सिर्फ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस की बातें कर रहे थे, अब आपने बनना है डेटा एनालिस्ट। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, मेरा एक ना कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन में चल रहा है, मैं सिर्फ वो दिखाता हूं। सर इसकी प्राइस नजर आ रही है आपको? जी सर जी। इस बंदे का काम क्या था मैं आपको बताता हूँ। इस बंदे ने कहा कि मैंने एक बंदा चाहिए जो मेरे मुख्य डेटा सेट्स है, उन डेटा सेट्स को इकट्ठा करके ना गुड बना। जब मैंने इसे डिस्कशन शुरू की रजा साहब, अब आपने देखना है कि अब मैंने अपने अपना जो कपड़े थे ना वो मैंने पहले ये बिजनेस एनालिस्ट, मैंने उसको पहले मार मारनी है इस चीज की कि मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, आते हो मेरे से अच्छा तुम्हें कोई नहीं बता सकता। यहाँ से सेल्स शुरू होती है, तो सेल्स कैसे की मैंने उसको, मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से मीटिंग पे आओ, उसने मुझे मीटिंग पे लिया। उसका बजट था $150, मैं आपको बताता हूँ $150। मैंने उसे मीटिंग की, उसने मुझे डाटा दिखाया, तो मैंने सिर्फ आधे घंटे में उसके पूरे डाटे को समझ के कुछ उसको बातें की। वो एक 100 कंट्रीज में वो काम कर रहा है। वो क्या करता है, 100 मुल्कों में 950 मशीनें इंस्टॉल की उसने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। वो मशीन्स कौन सी हैं वो उसने मुझे नहीं बताया। वो मशीन्स मेडिकल मशीन्स हैं जो कोई ECG सर्जरी को ऑपरेशन को एक्सपेंसिव मशीन है। उनका डेली का जो डाटा प्रोड्यूस होता था ना, वो डेली के डाटा प्रोड्यूस होके
उसके पास मुख्तलिफ मैक्रोज पाइथन और लैंग्वेज के तू कठा कुठा होगे ना डेटा सेट उसके पास पहुंचता था। अब उसने कहा मुझे डैशबोर्ड बनाना है, तो मैंने उसको पहली सेल्स पिच किया कि मैंने कहा जी आपका ये सारा डाटा जब तक एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं आता डैशबोर्ड ही बनेगा। जब मैंने उसको ये बात की, जब मैंने उसको ये बात बोली, उसने कहा वो कैसे होगा। फिर मैंने उसको कहा कि आप मुझे डाटा दिखाएं, उसने मुझे अपनी शीटें शेयर की, मैंने उसको एक सैंपल कंसोलिडेटेड फाइल बना के भेजी, उसने कहा ये तो आपने बहुत कमाल कर दिया। उसने पूछा कि ये आप लॉक करने प्रोजेक्ट, जब उसके मुंह को खून लग गया मैंने कहा जी ये प्रोजेक्ट कम अज कम $500 में होगा। उन्होंने कहा दिस इज टू एक्सपेंसिव, मैंने कहा व्हाट सूट्स यू, उसने कहा जी 400 बहुत है, मैं क्या आण दो। उसने मेरे से $400 में प्रोजेक्ट लॉक कर लिया। हुआ क्या, उसने मुझे जितनी डाटा शीट्स दी मैंने पावर क्यूरी के थ्रू उनको कंसोलिडेट किया, उसकी एक मास्टर शीट बनाई, मास्टर शीट बना के उसको फाइनल एक शक्ल डैशबोर्ड की बना के दी, उसको मैंने पे कर दी। और यकीन करें उसके लिए ये 1.5 महीने का काम था जो उसको हर बंदा कह रहा था, मैंने 2 दिन में उसको काम करके उसको फाइनल कर दिया, $400 मेरे अकाउंट में आ गया। इसी तरह मैंने एक मलाइशिया के बंदे को करके दिया। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं MCP के उन हेड को ये चीज बेच के आऊंगा ना, उनको मैं आपको फिर बताऊंगा कि एक्चुअली मैं उनको कह के क्या हूँ, तो उनका पूरा डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड कैसे होना चाहिए। सो मेरा ख्याल 11:30 हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को फीडबैक लेना चाहूंगा, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी ये लेक्चर तैयार नहीं किया था। आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। कुछ लोग लेट आए हैं, लेट आने की वजह से मैंने लेक्चर ही बदल दिया। मैं आप लोगों के लिए फाइल लेके आया था, अब मैं आपको दूंगा, आपने ये खुद करके आनी प्रैक्टिस। ये मैं एक फाइल आपके लिए ढूंढ के लाया था नेट से, डेटा क्लिंजिंग सिखानी थी आप लोगों को। डेटा क्लिंजिंग क्या सिखानी थी, एक बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट शक्ल का गंदा डाटा है, इसको ठीक करना था हमने, जिसके लिए फर्ज करें आपको $400 मिलने। ये देखें ये कॉलम है, इसमें ईयर्स लिखे हुए हैं, ईयर के साथ कहीं पे माइनस लिखा आ रहा है, नीचे आते हैं, किसी के साथ ये टीवी स्पेशल लिखा आ रहा है। डाटा नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर, बड़ा ही गंदा डेटा सर आ रहा है। अब आपने करना क्या है, इसमें से ईयर निकाल लें। कैसा कैसा दिया मैंने, मैंने आपको ये ट्रेनिंग देनी थी, अब आपकी असाइनमेंट हो गई है। एक चीज अब आप असाइनमेंट नोट कर ले, मैं डाटा आपको भिजवा दूंगा। एक तो ये है कि इस डाटा सेट में जब तक ईयर्स फिल्टर नहीं होगा, आप कोई इस किस्म की ईयर वाली चीज या ट्रेंड बना सकते हैं? एक सवाल पूछ रहा हूँ, कैन यू डू इट? नहीं मुश्किल है। अब अगला मजे की बात जो आपकी असाइनमेंट है, यहाँ पे जेंडर देखें क्या आ रही है, इधर आ जाए तो नहीं जा रही। इसमें देखें एक्शन हॉरर थ्रिलर आ रहा है, इसमें एक्शन एनिमेशन और एडवेंचर आ रहा है। आपने ये सारे लैदा लैदा कर लिए। ओए कोई तो बोलो। ये पढ़ने में सर है, ये मैंने सोच में डाल ली है। मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को ये सिखाना था। आप लोग 9:40 तक आधे बंदे गायब थे, तो रजा साहब थे, नहीं रजा साहब शायद बाद में आए, जुल्फकार साहब थे, नरबीन थी, और हमारे साथ कौन था, जुनेद आ गए। तो मैंने कहा चलो हम ना कुछ आपको दूसरी, ये तो एवं ही, ये तो मुफ्त का लेक्चर हो गया, ये तो लेक्चर मैंने एंड पे देना था डैशबोर्ड बनाने वाला। मैंने तो डेटा क्लिंजिंग आज सिखानी थी आप लोगों को। अब आपकी असाइनमेंट है, आई नीड यू टू पुट योर एफर्ट, और अगर इस डेटे को आप साफ करके डैशबोर्ड बना लेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, चस नहीं आ जाएगी। आपने जी ईयर साफ करने हैं, यहाँ से जेनर साफ करनी है, देखिए कैसी जेनर मुख्तलिफ आ रही है। आपने ये सारी जेनर अलग अलग करनी है, फिर आपने ग्रुप करनी है। देखें ड्रामा फैमिली फैंटेसी 2-3 दफा भी आ सकता आ रही है, तो आपने यूनिक वैल्यूज निकालनी और उससे और आसान हल। एक और कोई नोट, अब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा यहाँ से,
आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या। यहाँ पे ना ये रेटिंग आ रही है मूवीज की, नजर आ रही है जी? जी सर आप, जी सर यहाँ आप लोगों ने यहाँ पे कॉलम ऐड करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करके रेटिंग चाहिए जिसकी 1 से 3 के बीच में रेटिंग है वो आ जाए, 3 से 5 है, 5 से 8 है और 8 से 10 है, ये इंडिविजुअल रेटिंग्स आ रही है। तो जिसकी रेटिंग नहीं आ रही उधर क्या करेंगे? उसको उसको खाली कर। एग्जाम्पल देता हूं मैं एक शक्ल बना के कि ये 6 है, बल्कि मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, फर्ज करें तो फिल्टर लगाता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिखाऊंगा नहीं मैं, आई नीड यू टू प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ जी लेस देन 3 दिखा दे, ये सारे आगे, इसका मैं नाम रखता हूँ जी ये लेस, ये लेस देन 3 वाले, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसके आगे कंट्रोल वी करूंगा, सारे लेस देन 3 फिल्टर हो गए। मैंने अब दूसरी कैटेगरी बनानी है, दूसरी कैटेगरी क्या है, मैं वो होगी जो 3 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। अब ये आपने खुद ढूंढना है कैसे किया जाए, मैंने ये प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपने ढूंढने जो 6 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं, मतलब बिटवीन 6 एंड 8, और फिर 8 से जो बड़े हैं और सारी रेटिंग। यहाँ पे मुझे कैटेगरी चाहिए, रेटिंग कैटेगरी चाहिए, ठीक है जी? ठीक है सर। अब उसके बाद अगले का इधर है जी वोटिंग, ये है वोट्स, किसको कितने वोट पड़े, इसकी आपने कोई भी अपनी मर्जी से खुद सोच के कोई 5 से 10 कैटेगरी बनानी है कि कितने वोट्स को किस कैटेगरी में हम रखें, वो एक कैटेगरी बन, समझ आई? फर्ज करें 0 से 50,000 की एक कैटेगरी हो जाए, 50,000 से 1,00,000 की एक कैटेगरी हो जाए, 1,00,000 से 2,00,000 की, जो भी आपको समझ आती है। और यहाँ पे रन टाइम आ रहा है कि फिल्म है कितनी देर की, यहाँ पे भी आपने कैटेगरीज बनानी। और अगला है ग्रॉस, ग्रॉस में उसने कितने मिलियंस कमाए, तो इसमें भी आपने सेगमेंटेशन खुद करके लेके आनी है कि उसने कितने मिलियंस कमाए, मतलब जिसने एग्जांपल ले लेता, यहाँ पे आ रहा 75, मैं लिखता हूं कि लेस देन 100 मिलियन की कैटेगरी में आ रहा है नजर, ठीक है सर। ठीक है, अब आपने इस डेटा सेट के ऊपर अपनी, हम इस डेटा क्लिनजिंग को सीखेंगे, और जब आप लोग इस पे काम करेंगे यू विल आइडेंटिफाई, डैशबोर्ड जो है ना वो तो आखिरी 20% वाला काम है, असल है ये वाली साइंस, और ये साइंस जिसने सीख ली ना वो किसी वक्त कहीं भी पहुंच सकता है, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज, सिर्फ टॉप स्किल्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, मोस्ट इन डिमांड स्किल्स में हम देखते हैं, देख लें जी कि पहले पे क्या आ रही है, ग्रामर्स की फील्ड कोडिंग, नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा नजर नहीं आ रहा, अब आया जी? नहीं सर, थोड़ा और इधर करें। ओए किधर करूं, बाहर निकल निकल स्क्रीन से बाहर निकल सर, लेफ्ट साइड पे कुछ नजर नहीं आ रहा, या ये मिनिमाइज कर देना, ये अब आ रहा है? जी जी आ रहा है सर, आ रहा है, देख रहे जुनेद मेरा कर मोबाइल पे देख, मुझे बताएं कि देखें आपने कोडिंग भी नहीं सीखनी, आपने नेटवर्किंग भी नहीं सीखनी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग भी सीखनी, चौथे नंबर पे क्या है? एनालिसिस्ट। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था कि नेक्स्ट 10 इयर्स में मोस्ट इन डिमांड स्किल कौन सी है, मैंने आपके सामने लिखा हाईएस्ट पेइंग स्किल फॉर फ्यूचर भी देख लेते हैं जी, इकट्ठा खोल जाए, किधर गया किधर गया, ये आ गया, देखते हैं टॉप स्किल्स पढ़ लें जी, हाईएस्ट में क्या है,
क्लाउड कंप्यूटेड यहाँ पे हाईएस्ट पेड में कितने नंबर पे आ रहा है? नाइन्थ नंबर पे। और ये अगले 10 साल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब आप एनालिस्ट बन जाते हैं ना तो आप फिर एक और काम करते हैं। ये मेरा बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, लेकिन मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, लेकिन इसमें मैंने नंबर्स नहीं डाले हुए, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं ना, तो उसके बाद आप स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। फिर आप स्ट्रेटजी को लीड कैसे करते हैं, बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, फिर आप टॉप पे कैसे जाते हैं, मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ। हम बीकन हाउस में अगले 5 साल में बीकन हाउस क्या करेगा, 5 साल का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं और मैं उस प्लान को लीड कर रहा हूँ, और उस लीड प्लान का मैंने एक मॉडल तैयार किया है जो मैं पूरे बीकन हाउस को मैंने दिया है, और अब उसके ऊपर काम होना शुरू हो रहा है, मैंने लोगों को काम पे लगाया। मैं आपको वो सिर्फ मॉडल दिखाता हूँ, मैंने एक सिर्फ समरी मॉडल बना के बेचा है और लोग परेशान है कि अब इसको ये कैसे बन गया, और मैंने कोई तीर नहीं मारा, एक सिंपल सी चीज बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है सर, अपलोड दिखा रहे हैं, अब आ रहा है, ये अब आ रहा है। ये एक सिंपल सी चीज मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक मॉडल तैयार करके दिया है 5 साल के। मैंने कहा जी ये बीकन हाउस है, ये इसके 3 रीजन है, रजा साहब, जुल्फकार साहब, सुदीन, और जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को इसको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने ना मॉडल को समझिएगा, ये मैंने मॉडल बना के उनकी उनको प्रेजेंट किया है, इसके ऊपर वो मेरी बड़ी शाबाशी चल रही है। मैंने उनको कहा है जी कि 2022 के एंड में बीकन हाउस कहाँ खड़ा होगा, नए स्कूल कितने खोलेंगे, कितने स्कूल अच्छे चल रहे होंगे, कितने बुरे होंगे, तो कितने होंगे और उनका नंबर क्या होगा। मैंने कहा ये मैं सिंपल आपको एक समरी दूंगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 5 साल में हम करेंगे क्या, कितने नए स्कूल खोलेंगे, जो स्कूल अच्छे चल रहे हैं उनपे हम क्या शुरू करेंगे, और जो स्कूल नहीं चल रहे हम उनको कैसे चलाएं। ये तीनों रीजन को मैंने कलर देखे, कलर कोड किया हुआ है, ये रीजन सारा कलर के साथ चल रहा है, ये कलर के साथ चल रहा है, ये कलर के साथ चल रहा है। फिर मैं उनको एक बिल्कुल जो चीज बना के दी है, दरिया को कूजे में बंद किया है, वो क्या है, मैंने कहा है कि 2027 में बीकन हाउस कहाँ खड़ा होगा, नए स्कूल कितने खोलेंगे, यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा, कितने स्कूल खोलेंगे, उनमें कितने बच्चे हम नए लेके आएंगे, उनके लिए हम पैसे कितने मांग रहे हैं, हमारी इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं, हम कितने पैसे कमा के देंगे, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे और टोटल कितने पैसे कमा के देंगे। ये मैंने उनको एक मॉडल तैयार करके दिया, सिंपल मॉडल, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसी को मैंने आगे बताया कि मैं आपको क्या बना के दूंगा, मैं करूंगा, एक रीजन है उसके ये तीनों स्कूल्स हैं, तीनों स्कूल्स का ये 5 साल का प्लान है, मैं बताऊंगा पहले साल में कौन से स्कूल खोलूंगा मैं, कितने पैसे मांगूंगा और मैं उनमें क्या क्या काम करूंगा, ये पूरा फ्लो बना के दिया। जब मैंने ये फ्लो बना के दिया तो इसके अगेंस्ट मैंने फिर उनको कहा मुझे डेटा चाहिए, डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक सिंपल सा डेटा दिखाता हूँ, ये एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने फिर एक फॉर्मेट बना के दिया, ये मैंने फॉर्मेट बना के दिया उनको, ये आपके सारे स्कूल हैं, इन सारे स्कूलों में जो भी पिछले 7 साल परफॉर्मेंस है वो ये है, आगे मुझे ये डाटा बताएं 2023 में आप इस स्कूल में कितने बच्चे लेके आएंगे, इसमें कितने लेके आएंगे, इसमें कितने टोटल कितने बच्चे लाएंगे, इस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, इसके लिए आपको पैसे कितने चाहिए, पूरा स्कूल बनाना है तो कितने पैसे चाहिए, कमरे बनाने हैं तो कितने चाहिए, हमें पैसे कितने कमा के दिए। अब ये 3 रीजन्स को लहदा लहदा शीटें दी हैं और हर स्कूल में ये चाहेगी, नेट रिजल्ट क्या होगा, मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा था कि आप जब डेटा बनाना शुरू करेंगे तो हर डिपार्टमेंट आपके अंडर आता जाता है। उसकी एग्जाम्पल ये ले लें, आज HR वाले मुझे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आज HR डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे आप हमें HR को ज्वाइन करने या हमें HR को सारी ट्रेनिंग दें,
सप्लाई चेन वाले कह रहे थे कि आप हमें ज्वाइन कर लें, फाइनेंस वाले कह रहे थे आप हमें ज्वाइन कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कह रहे थे आप हमें ज्वाइन कर लें। तो मैं सबको ये समझा रहा था कि आप सारे लोग जो काम करें ना, मैं एक स्टेप उसके ऊपर काम कर, आप सारे लोग जो है वो उस लेयर में है, मैं उससे ऊपर वाले हैं। तो आप किसी भी कंपनी के या अपनी कंपनी के आप टॉप डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। पेपर पे आप बता देते हैं कि आप कितने पैसे कमाएंगे और एंड रिजल्ट क्या होगा, रियलिस्टिक नंबर्स के साथ बता सकते हैं। तो अगर आप लोग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको सीरियसली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स विद इन अ ईयर। मैं आपको टाइमलाइन भी बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया, एग्जाम्पल छोटी सी देता हूँ, मैंने अपने एक भांजे भांजे को उस पर ट्रेन किया, तो मैंने 6 महीने पहले, उस वक्त वो कोई काम नहीं करता था। अब वो मेरा भांजा यूसुफ सदीक उसका नाम है, ट्रस्ट में वो पढ़ रहा है, उसने 6 महीने में 12 लाख रुपए कमाए अपवर्क से। और उससे बड़ी बात ये है कि उसको 1.25 लाख रुपए की ऑफर आई है अभी जॉब की, और वो अभी लास्ट सेमेस्टर में है। तो मुझे कह रहा था कि मामू मैंने जॉब नहीं करनी, पैसे थोड़े, क्योंकि महीने का 2-3 लाख रुपए मैं अपवर्क से कमा लेता। कैन यू बिलीव दिस? और उस बच्चे की मैं अगर आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हम सारी उम्र नौकरियों में गुजार देते हैं और हमारे पास मतलब वी आर नथिंग टू डू विद द कि हम कहीं और भी जा सकते। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, उसने अभी परसों एक पोस्ट लगाई है, ये देखें, ये एक उसने पोस्ट लगाई, ये बैग, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट माय टॉप रेटेड बैच ऑन अपवर्क, अ जर्नी ऑफ 1000 बिगल विद अ सिंगल स्टेप। इसको मैंने आप लोगों की तरह इसी तरह जूम के ऊपर सिर्फ 5-7 दफा डेटा सेट बनाना सिखाया था, और उसको मैंने उसको पावर क्वेरी के थ्रू मैनिपुलेट करके डैशबोर्ड बनाना सिखाया था। नाउ यू कैन सी, तो वो बच्चा अपवर्क भी तो देख लिया, अब उसके ऊपर देखे फाइबर के ऊपर भी टॉप रेटेड हो। और उसने क्या लिखा है, पावर बी ए सीक्वल पाइथन ETL डेटा एनालिस्ट। ये वो बच्चा है जो 6 महीने पहले सारी फीसें अपनी मेरी बहन से लेके पे कर रहा था नस्ट में, और अब ये कुछ भी पे नहीं कर रहा, सब कुछ अपने हाथ से कर रहा, और अब वो नौकरी में ट्रस्टेड भी नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया किसी के लिए काम करने से बेहतर है मैं अपने लिए काम करूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, स्टॉप स्क्रीन शेयर, और अब मैं आप लोगों से आज के लेक्चर के बारे में हर बंदे से, क्योंकि मुझे बुरी आदत है कि मैं फीडबैक जरूर लेता हूँ, तो 1 by 1 पीछा छोटा छोटा बताएं। और मुझे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों से समझनी है और पूछनी है, जो समझनी है और पूछनी है, वो ये है कि जो चीज आपने आज एवं चूंगे में कर लिए, जो अभी हमने एंड पे करनी थी, बाद में अभी एडवांस लेवल पे कर लेंगे, हाउ यू सी दिस, हाउ दिस कैन चेंज योर लाइफ, हाउ दिस कैन एड वैल्यू टू योर प्रोफेशनल लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। रजा साहब आप मेरे पास टॉप पे आ रहे हैं, सर आप बताएं। सर मेरा ख्याल है कि अमेजिंग है, मैं तो नहीं समझता था कि ये सब कुछ एक्सेल के अलावा भी हो सकता है। तो ये तो आप ये कह लें कि टर्न अराउंड है एक किस्म का, मैं सीधा 14वीं सदी से 21वीं सदी में आ गया हूं। और सर जिस जिस लेवल का आपका एक्सपीरियंस है और आपने ये अगर फील किया, तो आई एम लविंग इट। इट मींस के देयर इज समथिंग दैट कैन ऐड वैल्यू टू प्रोफेशनल लाइफ, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली। जज़ाकअल्लाह जी सभी, आप बताएं। मगर सर मैं ऑलरेडी अपनी जो एक्टिविटी है उसमें इस चीज को आपकी हेल्प से यूज कर रही थी, अब एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट में आ रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, डेटा थिंकिंग बहुत इम्प्रूव की है, बिकॉज एनालिटिकली नहीं होता था, हम वन टाइम रन करते थे डेटा को, तो जो कॉन्सेप्चुअल मैंने प्रैक्टिकली तो अभी उसको हैंड होल्ड नहीं किया ड्यू टू अपनी जो कमिटमेंट्स हैं करंट,
लेकिन जो डेटा कॉन्सेप्ट है उस पे मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, और जो चीजें मैं कर रही हूँ एग्जिस्टिंग, जो जैसे आईटी वालों के दिमाग की दही अपनी मैं कर रही हूँ, तो वो ऑल क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपने एक बहुत क्लियर हमें वॉक थ्रू करा दिया है इसके ऊपर. सो दैट्स वेरी वैल्यू एडिशन अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में भी, और जब इस पे प्रैक्टिस पे आऊंगी तो वो भी बेहतर होगा. प्रैक्टिस पे नहीं हूँ मैं अभी, मैं भाग दौड़ के मैं रन डाउन करके पहुंच रही हूँ, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है अभी मुझे, क्योंकि मैंने डेटा पे एक जो प्रैक्टिस है मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, हो गए हैं, और मैं अपने डे टू डे पे कर रही हूँ. तो आई होप दैट प्रैक्टिस पे आ जाऊंगी तो वो और बेहतर की तरफ से. थैंक यू सो मच एंड परफेक्ट जी. अब मेरे पास हसन आ रहे हैं. जी हसन. सर मैंने तो जब पिछले भी लेक्चर को इम्प्लीमेंट किया था ना पावर क्वेरी वाले, मैंने पहले जो था वो मैनुअली किया था उसको, मतलब मुझे मैनुअली इतना मजा आया, और जब पावर क्वेरी किया तो वो तो मेरा टाइम ही इतना सेव हो गया ना, तो मैं हैरान हो गया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से इतने तरीकों से आप अपने डेटा को एनालाइज करके समराइज करके शो कर सकते हैं. मुझे तो पावर क्वेरी करने में बड़ा मजा आया था जो आपने लास्ट भी दी है. मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें हैं जो अभी भी सीखने वाली हैं उसके अंदर, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट था जो आपने बताया था वो जब मैंने अप्लाई किया, आज जो डैशबोर्ड्स मैंने देखे दिस वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी एज वेल, कि आप एक क्लिक से क्या 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 कर सकते हैं, और जो कि काम आता है सेल्स की जॉब में तो बहुत ज्यादा ये चाहिए होते हैं. हम तो डैशबोर्ड्स ही यूज करते हैं हमें जब शो होते हैं हमें भेजे जाते हैं. This is future. थोड़े अरसे के बाद आपने अपनी परफॉर्मेंस हर बंदे ने ऐसे ही दिखानी है, अगर नहीं दिखाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे. अगर आपको पावर क्यूरी आ गई तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पावर पीएपी आ गई. जी जुनेद. सर मैं ना पहले पाइथन पे कर रहा था लाइन प्लॉट बार प्लॉट और बॉक्स प्लॉट वगैरह ना, तो ये तो यानी कि आपका ऑफिस के यानी कि समझ के काफी अच्छा लगा है, इसका काफी फायदा होगा हमें इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक और इसको यूज करना है. जी उस्मान. मोहम्मद उस्मान. उस्मान को आवाज शायद नहीं आ रही. जी सरीश. आज जो हमने किया है बिल्कुल डिफरेंट, और मतलब वो तो हमने पाइवट चार्ट देखे थे, लेकिन ये जो आज किया है बहुत इंटरेस्टिंग भी मुझे लग रहा है, और बहुत मतलब एक न्यू चीज है और बहुत मजे की चीज है. ये सब चीजें शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जी. प्रैक्टिकली कर रहे हैं आप लोगों ने तो आपको और मजा है. दो इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे. ठीक है जी. तसीम. तसीम तसीम को आवाज नहीं आ रही. उमेर. उमेर एंड टीम. जी सर. यस सर. सर नो डाउट ये आज का लेक्चर जो है जिस तरह बाकी भी सब कह रहे हैं कि आई ओपनिंग जरूर है, प्लस जो 7.5 लाख रुपए आपने बना दिए हैं, हम तो शेख बरादरी से ताल्लुक है हमारे, तो वैसे मुंह में पानी आ गया है. ये प्रैक्टिस करके हमने जो है ये प्रैक्टिस करके एक यूं भी कर सकते हैं कि एक लाइन एक्सटेंशन हमारी हो सकती है फ्रीलांसिंग एंड पे, नॉट ओनली अस बट फॉर द होल नेशन. इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. पॉइंट वही है कि अगर हमारे लेक्चर्स इन प्रैक्टिस रहे, जिस तरह अभी आपने एक शीट दी है वो काफी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंजिंग है, लेकिन ये है कि उसको करने से और इस तरह 2-3 अगर और भी हमें शीट्स मिले वर्किंग के लिए तो ऑब्वियसली हमारा विजन और इसमें इंशाल्लाह ब्रॉड होगा. मैं दूसरी चीज भी अपवर्क के अंदर आपकी वो देख रहा था जो बिड्स आ रही हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसमें रिसर्च बेस्ड डाटा भी काफी कुछ इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट्स काफी इन्वॉल्व कर रहे हैं. हमें ये टूल्स सीखने के साथ साथ बाकी जो उसको सपोर्टिंग एजुकेशन है वो भी साथ में लाइन करनी होगी, ताकि अगर हम कोई डाटा पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट निकालने में हमें ये भी जो है वो इलम में हो कि हमने उससे रिजल्ट्स क्या निकालने हैं. जिस तरह अगर आप अभी अपना ये मेगा प्रोजेक्ट का डिस्कस कर रहे थे अभी,
फोरकास्टिंग के काफी सारे पॉइंट्स हैं। हम लोग सेल्स के अंदर जो है जिस तरह हसन भाई बात कर रहे थे वो लोग भी फोरकास्टिंग के ऊपर काफी काम करते हैं, लेकिन डैशबोर्ड के एंड पे जितने स्मॉल स्टेशन हैं यानी कि जो एरिया के अंदर होते हैं उनके यहाँ ऐसी चीजों का एक्सेस नहीं है। अगर हम लोग अपने एंड पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह हसन भाई बात कर रहे थे कि सेल्स वाले हम लोग जो लोग हैं जो कि छोटे एरिया में काम कर रहे हैं हमारे पास किसी ना किसी शक्ल में रिपोर्ट बेस तो होती है डाटा, उसको अगर हम अपने पास अलाइन करके डैशबोर्ड की साइड पर जाएं तो ये हमारे लिए काफी वैल्यू एडेड आइटम है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे लेक्चर्स और भी कुछ चलेंगे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको एप्लीकेशन करने से। जी सर काफी इन्फॉर्मेटिव है और इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इंशाल्लाह, इसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह सीखकर। हेलो सर हेलो सर आपको मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अभी आ रही है, अभी सर आ रही है, अभी आ रही है। मेरा ना मैंने पीटी सेल वाले को आज कंप्लेंट भी की थी भैया मेरा नेट गड़बड़ कर रहा है पता नहीं उसने ठीक किया कि नहीं। उस्मान आप हो कि नहीं? आपको पहले भी मैंने पूछा था आपको मेरा ख्याल आवाज नहीं है। उस्मान मोहम्मद उस्मान उसको नहीं आवाज आ रही। जुल्फकार साहब सॉरी आप बात कर रहे थे बीच में कट गई। जी सर मैं यही कह रहा था कि काफी इंफॉर्मेटिव सेशन है इंशाल्लाह इसको सीख के अप्लाई करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। और सर आज बिल्कुल भी ये लेक्चर नहीं था, लेक्चर कोई और था, बंदों की कमी की वजह से मैं इधर को शुरू हो गया। और ये लेक्चर की जो डायरेक्शन आपने बनाई है ये बिल्कुल ठीक बनी है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो लेक्चर जो भी आपका स्किप हो गया लेकिन बट दिस वाज वे बियॉन्ड एक्सेल। हाँ जी हाँ जी, असल में ये मैंने एंड पे आपको डैशबोर्ड एंड पे आखिरी दिन बताने थे ताकि फिर आप लोग डेटे की क्लिनजिंग करके ना डैशबोर्ड की शक्ल बनाने तक आ जाओ। लेकिन अब ये है कि आपको डैशबोर्ड की बेसिक समझ आ गई है, अब आप लोग इसको आगे भी यूज कर सकते हो। ठीक है ये ठीक है। उस्मान कह रहा है कि उसका माइक नहीं काम कर रहा, तो लेट्स सेंड दिस सेशन और मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ। तो गाइस अच्छा वो कह रहा है मैं बोली जा रहा हूँ। ओए आपका माइक म्यूट है हमारे पास, आपका उस्मान माइक म्यूट है, अनम्यूट करोगे तो आवाज आएगी। मेरे पास आपके माइक के ऊपर रेड लगा हुआ, अनम्यूट करो शायद फिर आवाज आए। तो मैं जो फाइल भेज रहा हूँ ना, तो आप लोग उस फाइल को पहले तो क्लीन करो फिर उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा। ठीक है जी चले लेट्स एंड सेशन टुडे। और आई होप के हम चार हो गए, मैंने छह लेक्चर्स टोटल सोचे हुए थे, तो इंशाल्लाह हम छह लेक्चर में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है जी ओके। नहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे कोई बोनस लेक्चर्स? नहीं जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर मिलेंगे, लेकिन ये है कि जो बोर हो रहे होंगे तो वो चक छह के बाद स्किप कर दें। एक आध कोई बिल्कुल ऐसा एडवांस लेवल का आखिरी रख दूंगा। 10 साल है अगले एनालिस्ट के, अगले 10 साल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बोर होना यहाँ पे पसंद भी करेगा। इनेविटेबल स्ट्रगल, ऑल वी विल ऑल स्ट्रगल विद यू इंशाल्लाह। ठीक है तो वो मैं आखिर में आपको बहुत हाई लेवल का एक डैशबोर्ड बनाना भी सिखाऊंगा। जिस देखिए अभी हमने कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं किया, जिसमें एक्चुअली जो डैशबोर्ड होते हैं उनमें कैलकुलेशन सबसे टफ होता है। बाकी सारी चीजें आप कर सकते लेकिन जो डैशबोर्ड की कैलकुलेशन होने की ना वो बहुत ही मुश्किल पार्ट होता है कि आपने रियलिस्टिक बनानी है। जिस तरह अगर आप अपनी ऑब्जेक्ट्स ले लो, आप सेल्स की प्रोजेक्शंस करो, पता लगे आपने कहा जी मैं 50 लाख की सेल्स करूंगा, आपकी प्रोजेक्शन ही गलत होगी, आपने सेल्स ही 25 लाख की। तो ये जो ट्रेजेक्ट्रीज बनानी होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्लोज टू रियल हो और रिजल्ट बिल्कुल नियर के पास है, फिर वो फ्यूचर फोरकास्टिंग आपकी। तो वो हमने अभी एग्रीगेशन वाला पार्ट मैंने नहीं किया क्योंकि उसके अंदर मैथ्स फिजिक्स एल्गोरिदम सब कुछ यूज होता है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, तो वो एंड पे करेंगे जिस दिन बाकी जो लोग हैं जो ये ना कहें कि हमारे ऊपर से गुजर गए। तो जो टेक्निकल पार्ट भी होगा वो फिर मैं उसमें एग्री बोनस लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है
जरूर सर जी, इंशाल्लाह। अच्छा सर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वाले साइड्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है या बैलेंस शीट्स होती हैं, उनको देखते हुए भी हमारी असेसमेंट्स होती हैं? जी जी, हर चीज हो सकती है। उनकी फोरकास्ट जो है वो किस तरह बनाई जाएगी? हाँ जी हाँ जी, वहीं से तो शुरू होता है। ठीक है जी, सर जी इजाजत है फिर हमें सर। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह हाफिज। और ये मिस साइमा, ये रिकॉर्डिंग आप अगर कल ही भेजेंगे तो मैं कल ही अपलोड कर दूँ। जी सर, ये कल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। चले ठीक होगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू, थैंक यू।